हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? माय नेम इज नरेन कुमार एंड दिस आवर चैनल गाइडली। आई होप यू आर डूइंग वेल। सब लोग सेफ हैं। एंड इसका पार्ट वन इस क्लास का मैंने कराया था, दिस इज पार्ट टू। पार्ट थ्री आएगा, पार्ट फोर। 200 पेयर्स मुझे आपको पढ़ाना है, दैट मीन्स 400 वर्ड्स। कन्फ्यूजिंग, अगर कन्फ्यूजिंग वाली वोकैबुलरी डालना चाहते हैं एग्जामिनर, तो इसी में से डालेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही कुछ ग्रामर के रूल्स बता दूंगा कि इसी में से पूछा जाएगा। एंड न्यू पैटर्न के मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा। तो वोकैब और मैं द हिंदू की वोकैब भी पढ़ाऊंगा आपको, ये जब खत्म हो जाएगा। ठीक है गाइस, प्लीज शेयर कर दो सबके साथ में एक बार क्विकली। प्लीज डैग, साउंड इज ओके? आज कोई आवाज तो नहीं हो रही है एक्स्ट्रा? चेक इफ द साउंड इज ओके, देन वी विल स्टार्ट। यस यस यस, अमित सर का भी क्लास होगा। हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके गाइस, सो लेट्स गो फॉर इट। ठीक है, आपको पता है क्या होने वाला है। फर्स्ट वी विल डिस्कस द पेयर्स, द वोकैबुलरी, द कंफ्यूजिंग पेयर्स। कुछ आपको जानते हुए, कुछ नहीं जानते हुए, कुछ कंफ्यूजिंग होंगे। एंड देन वी विल सॉल्व द क्विज बेस्ड ऑन दीज वर्ड्स। रेडी? क्विज जरूर अटेम्प्ट करना। जो लोग ऑफलाइन देखने वाले हैं, आपके लिए भी मैसेज है, प्लीज अटेम्प्ट द क्विज एज वेल। चलो फर्स्ट, सर स्पीड कम रखना वर्ड्स की, हम नोट्स बनाते हैं साथ में। अच्छा चलो, स्पीड सही रखूंगा मैं। ठीक है पल्लवी, थैंक यू। दीपशिका, हाय। तुषार, ठीक है। सुब्रत, सुब्रत, थैंक यू सुब्रत, वंडरफुल। अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। वीडियो सही दिख रहा है? सब रेडी है? तो मेटल वर्सेस मेटल, ये तो बहुत इजी वर्ड है, लेकिन पहला मेटल तो हम सब जानते हैं, राइट? दिस वन वी इजीली नो। ये तो मेटल हमारा कौन सा होता है? गोल्ड वाला, सिल्वर वाला, एल्युमिनियम वाला मेटल होता है। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वर्ड। ठीक है, इफ यू, आई विल गिव यू फाइव पैरामल क्वेश्चन, इट विल चेक योर मेटल, इट विल चेक योर एबिलिटी। तो मेटल मीन्स एबिलिटी, लिख लो। कौन लिख रहा था नोट्स, कौन कौन बना था, रेज योर हैंड। मेटल मीन्स एबिलिटी, आपके अंदर की ताकत, स्किल को चेक करेगा। ठीक है, अ पर्सन्स एबिलिटी टू कोप वेल विद डिफिकल्टीज। तुम डिफिकल्टी के साथ कितना अच्छा फाइट करते हो, उसे मेटल बोलते हैं। स्पिरिट एंड रेजिलियंस। अब सुनो सुनो सुनो, मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। इन 2014 आई वाज इन रुड़की, आईआईटी रुड़की, याद है ना? तो आईआईटी में नहीं था, लेकिन उसके पास में एक कोचिंग में मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। वहां पे एक लड़के मैंने वो वर्ड दिया, ठीक है, ऑलराइट। कौन सा वाला? LETER और LATER, मुझे याद आ रहा है, और LATER। तो मैंने पूछा कि भाई ये क्या होता है? बोला कि सर ये तो गलत होता है, वो लव लेटर वाला, ये लव लेटर ये वाला होता है, ये तो कुछ नहीं होता, समझ रहे हो? तो ऐसे ऐसा आप बंदा कभी मत बनना कि मतलब जिसने अगर वर्ड सुनाई नहीं है MEETER, तो उसे वो गलत बता देगा, बोलेगा नहीं सर ये मेटल तो गलत है, कैटली होना चाहिए, तो कैटल होना चाहिए था। ठीक है, सो बी केयरफुल, अवेयर रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम नॉनसेंस वाली बातें करेंगे। चलो वंडरफुल, आई गो फॉर इट, आ जाओ। तो ऐसा बंदा कभी मत बनना। तो द टीम शोड देयर ट्रू मेटल इन द सेकंड हाफ, उनकी जो ट्रू एबिलिटी है उन्होंने सेकंड हाफ में दिखाया। क्लियर? फर्स्ट क्लियर, ऐसे लिख दिया करो, फर्स्ट क्लियर। सेकंड, अब सुनो, इस पे एरर मैंने कहां डाली हुई है, कहां पे डाली हुई है, द हिंदू में डालता हूं मैं इस वाली एरर को। रेडी? देखो नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट और नेग्लिजिबल। नेग्लिजेंट, फेलिंग टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ समथिंग, मतलब एक ऐसा बंदा जो ध्यान ना रख पाए। मैं, आप मेरे दोस्त हो और मैंने आपको अपनी, और मेरे साथ एक मेरा कोई नीस से आया, ठीक है ना, ओके, नेफ्यू है 2 साल का, और मैंने आपको बोला कि गाइस तू यहाँ पे रुक, मैं तब तक कुछ पान खा के आता हूँ, पान लेके आता हूँ मैं। और पता चला कि तुमने मतलब कि उसको, उसका ध्यान नहीं रख पाए आप, तो नेग्लिजेंट, व्हेन यू कैन नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ एनीवन। चलो, तो फेलिंग टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ समथिंग, द काउंसिल हैड बीन नेग्लिजेंट, मतलब कि अवॉइड करता आ रहा है, नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर इन इट्स सुपरविजन ऑफ द चिल्ड्रन इन केयर। नेग्लिजेंट मतलब देखभाल नहीं कर रहे प्रॉपरली। अब नेग्लिजिबल पता है क्या होता है? बिल्कुल जीरो अमाउंट, ऑलमोस्ट नथिंग। नेग्लिजिबल का मतलब होता है सो स्मॉल और अनइंपॉर्टेंट दैट एज टू नॉट वर्थ कंसिडरिंग, नेग्लिजिबल। मैं, आप मैं से पूछ रहे हो सर आपसे क्लास पढ़ने का कितना पैसा देना पड़ेगा, मैं कहूँगा बस नेग्लिजिबल अमाउंट, ऑलमोस्ट नथिंग, बस एक आईफोन देना पड़ेगा, जस्ट किडिंग। नेग्लिजिबल मतलब बिल्कुल बहुत ही कम।
चलो, ही सेड दैट द रिस्क वर नेग्लिजिबल. तो लिखो टू क्लियर. नेग्लिजेंट मतलब कि अटेंशन नहीं दे रहा, नॉट प्रॉपर केयर. और नेग्लिजिबल का मतलब होता है बहुत कम अमाउंट मनी, पैसा बहुत कम. ऑलराइट, चलो गाइस प्लीज शेयर कर दो सारे ग्रुप्स में. नेक्स्ट, अरे ये एग्जाम में बहुत आता है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग कंफ्यूज होते होंगे. सुनो, मोमेंट्री को आप टाइम समझो, ठीक है? जब कोई चीज बहुत कम टाइम के लिए होती है, मोमेंट्री सक्सेस. ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर मैं आपको मैंने आपको 5 लाख रुपए दिए, अच्छा, और मैं 10 मिनट में आपसे छीन लिए, तो वो आपकी मोमेंट्री हैप्पीनेस हुई. 5 मिनट के लिए यू फेल्ट मिलेनियर. ऑलराइट, ऑलराइट, प्लीज शेयर कर दो सबके साथ में. हाँ, ऑलराइट. अब मोमेंटस क्या होगा? मोमेंटस टाइम नहीं होता, मोमेंटस होता है समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट. ठीक है, मोमेंटस तो मोमेंट्री टाइम है, और मोमेंटस क्या है? जब कोई चीज बहुत वैल्यू वाली होती है, इंपॉर्टेंट होती है, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, स्पेशली हैविंग बेयरिंग ऑन फ्यूचर इवेंट्स. अ पीरियड ऑफ मोमेंटस चेंजेस इन ईस्ट वेस्ट रिलेशनशिप. ईस्ट और वेस्ट के रिलेशनशिप में मोमेंटस चेंज मतलब वेरी इंपॉर्टेंट चेंज. तो मोमेंटस को लिखो इंपॉर्टेंट, और मोमेंट्री लिखो टाइम, शॉर्ट टाइम. क्लियर, लिखो थर्ड क्लियर. और थर्ड क्लियर ना हो तो मुझे बता देना, आई विल कम बैक, आई एम हियर, ओके, फॉर ऑल ऑफ यू. आई विल मेक श्योर कि आप सीख के जाओ. मोमेंट्री सक्सेस बहुत कम की सक्सेस, और मोमेंटस वेरी इंपॉर्टेंट, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एक ऐसी सक्सेस या फिर एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत लंबे समय तक चले. Yes, मैंने स्पेलिंग दिया हुआ है, आई नो गाइस, प्लीज शेयर करते जाओ, शेयर करते जाओ, मेक इट 100, एटलीस्ट 200 लाइव कर दो. अब आ जाओ मिलिटेट और मिटिगेट. सुनो, तो मिलिटेट को आप समझो, देखो जब किसी चीज से आपके चांसेस कम हो जाएं, आपका इफेक्टिवनेस कम हो जाए, उसे मिलिटेट बोलेंगे. ठीक है, जैसे कि एयर होस्टेस की बात होती है, एयर होस्टेस होते हैं ना हमारे एयरपोर्ट प्लेन में. तो अगर सपोज कि देयर इज अ लेडी एंड ऑफ कोर्स शी इज फैट एंड शी हैज नो आइडिया अबाउट हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू ट्रीट द अदर गाइस. ऑलराइट, ऑलराइट, समझ गया. तो क्या होगा? तो हर बीइंग, ठीक है, अ फैट पर्सन मिलिटेड हर चांस, मतलब उसके टू बी एन एयर होस्टेस, उसका एयर होस्टेस होने के चांस कम हो जाएंगे. क्लियर? हाँ हाँ, कह सकते हैं. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, प्लीज शेयर करते जाओ. ठीक है, टू मिलिटेड अगेंस्ट समथिंग मींस टू टेक टू मेक इट लेस पॉसिबल. कोई चीज कम हो गई, उसकी पॉसिबिलिटी कम हो गई, तो मिलिटेट हो गया. ठीक है, टू मिलिटेड अगेंस्ट समवन का मतलब है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम अचीविंग समथिंग, उनको किसी चीज से रोकना, तो मिलिटेड अगेंस्ट हो जाएगा. ठीक है, मिलिटेंट नहीं है. ठीक है, कितने लोगों को मिलिटेंट लग रहा था? मिलिटेंट होते हैं उग्रवादी, द गाइज विद द AK-47, वी कॉल देम मिलिटेंट. ओके, मिलिटेंट होते हैं वो कशाब, अजमल कशाब, ढिशुम, वो वाले बंदे. ठीक है, द नेगेटिव गाइज, द एंटी सोशल एलिमेंट मिलिटेंट होते हैं, वो नहीं है. मिलिटेंट मतलब आपका इफेक्ट कम कर दिया, चलो आपके चांसेस कम कर दिए. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हर बैकग्राउंड, उसका जो बैकग्राउंड था, मिलिटेट्स अगेंस्ट हर, उसको उसकी उसके अगेंस्ट काम करता है, उसकी पॉसिबिलिटी को खत्म कर देता है. क्लियर? बोलो बोलो फोर्थ क्लियर, बोलो फोर्थ क्लियर. ठीक है, और मिटिगेट मतलब कोई किसी सिचुएशन को, ठीक है, कोई खराब सिचुएशन को बेटर कर देना, अच्छा कर देना, या कोई बहुत डेंजरस सिचुएशन है उसे कम डेंजरस कर देना, मिटिगेट कहता है. आपके आपके हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा, आपने टेबलेट ली तो वो जो दर्द कम हुआ ना, उसे मिटिगेट बोल सकते हैं. हाँ सोनिया, ओके, तो मेक समथिंग लेस सीवर, सीरियस पेनफुल. ड्रेनेज स्कीम्स हैव हेल्प टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम थी, और ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, नाला वगैरह जो बन के, ठीक है, तो उसने प्रॉब्लम को कम कर दिया, थोड़ा बेटर कर दिया. आई होप इट इज क्लियर.
Sorry, sir, I got late. Naren Sharma ji, hi sir, good evening. Thank you for being here. To meditate or mitigate. Chalo, notable. Notable और notorious. Notorious तो पक्का negative word है और notable को positive word मान सकते हैं, general word मान सकते हैं. Notable मतलब worthy of attention. This is a notable point. Yeah, we can discuss this point. This point looks good. We can discuss notable point. Okay, remarkable, good, positive word है. और notorious तो आप जानते ही हो, कुख्यात मतलब क्या, person जो who is popular in a negative way. Notorious एक ऐसा gangster है आपके area में, आपके गांव में, आपके आपके मोहल्ले में, जिसने 5-6 मर्डर कर दिए हैं और वो रास्ते चलते हुए आपको पर्स मार लेता है. नोटोरियस. तो नोटेबल इज समथिंग वर्दी ऑफ नोटिसिंग, नोटोरियस समथिंग समबडी हु इज वर्दी ऑफ इग्नोरिंग. ठीक है, चलो. द गार्डन्स आर नोटेबल फॉर देयर कलेक्शन ऑफ मैग्नोलियास एंड कैमेलियंस. इसके लिए पॉपुलर है, रिमार्केबल है, जाने जाते हैं. Notorious famous or well known typically for some bad quality के लिए famous. Los Angeles is notorious for its smog. All right. चलो ये भी क्लियर हो गया. Guys ध्यान रखना, पूरा वेट लास्ट तक सुनना, इसको फॉलो करना क्लास को. लास्ट में 50 वर्ड्स का क्विज होने वाला है, वहां पे मैं चाहता हूँ 50 से 50. अच्छा सुनो, 32 वॉच कर रहा है राइट नाउ. पहली बात तो प्लीज शेयर करके आ जाओ, आई रिक्वेस्ट. ठीक है, दूसरी बात 100 बच्चा कर दो कम से कम. आप 50 में से 50 कर सकते हो, बताओ जल्दी से. नेक्स्ट, ऑफिशियल और ऑफिशियस, बहुत अच्छा वर्ड है. ठीक है, इनमें हमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, हमें पता भी ना चलता है. तो ऑफिशियल तो हम सब जानते हैं, रिलेटेड टू अथॉरिटी, पब्लिक बॉडी है ना. ठीक है, तो ऑफिस में ऑफिस करने वाला ऑफिशियल बोलते हैं. चलो, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिशियल एंगेजमेंट. प्राइम मिनिस्टर मतलब कि अपनी ऑफिस रिलेटेड जो बातें करते हैं उसे एंगेजमेंट बोलेंगे. अब मेरी बात सुनो, ऑफिशियस असर्टिव ऑफ अथॉरिटी इन अ डोमिनेटिंग वे स्पेशली विद रिगार्ड टू ट्रिवियल मैटर्स. द सिक्योरिटी पीपल वर वेरी ऑफिशियस. मतलब बेवजह तुम अपनी अथॉरिटी दिखाओ, समझ गया, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑफिशियस. चलो 50 देखते हैं कौन कौन कर सकता है, जल्दी से शेयर कर दो गाइस सबके साथ में. थैंक यू फॉर शेयरिंग गाइस. मेरे ग्रुप में तो कर दिया, दूसरे ग्रुप में भी शेयर करके आ जाओ. ठीक है, ऑफिशियल मतलब कि जैसे कि मिस्टर खेमका है तो वो एक पब्लिक ऑफिशियल है, आईएएस ऑफिसर है, तो वो तो हम सब जानते हैं. ऑफिशियल एक ऐसा बंदा है बेवजह अपनी 30 मार्कों वाली हरकतें करता है, मतलब somebody who gives his opinion without even asking for it. ऑफिशियस. ओके ओके, All right. ठीक है, so officious, clear? हाँ, अब जैसे कि मैं किसका नाम लूं, विशाल है, इस बहुत दिनों बाद ये मेरी क्लास में आया है, अब इसका थोड़ा मजाक उड़ाते हैं, रेडी? ठीक है, हाँ, सब लोग विशाल का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन रिस्पेक्ट करेंगे उसको. मैं उड़ा सकता हूँ, आप मजाक नहीं उड़ा सकते. तो विशाल हमेशा हर चीज में ओपिनियन देता है, विशाल हमेशा बेवजह लोगों को अपनी अथॉरिटी दिखाता है. तो विशाल इज अ लिटिल ऑफिशियस मैन एंड नोबडी लाइक्स हिम इन द ऑफिस. मेरी ऑफिस में विशाल काम करता है, तो लिटिल, ठीक है ना, ऑफिशियस पर्सन. हाँ, अब क्लियर हो गया होगा. चलो नेक्स्ट, ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डन. ठीक है, ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डिनेंस, ये देखो. चलो ये देखो, ऑर्डिनेंस एन अथॉरिटेटिव ऑर्डर. आपको पता है कि ऑर्डिनेंस हमारा लीगली एक वर्ड है, कि देखो एक जब हम लोग ऑर्डिनेंस आता है पार्लियामेंट में. ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, ऑर्डिनेंस आर लॉज दैट आर प्रोमुलेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब ऑर्डिनेंस देते हैं, ठीक है, लॉज बन के आते हैं. नेक्स्ट देखो, ऑर्डिनेंस माउंटेड गन्स आर्टिलरी. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जानते हो आप लोग? हाँ, समझो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का सुना है ना, सबने सुना हुआ है. तो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है ना, आर्टिलरी, गन पाउडर, सारा डिशुम डिशुम बनता है, वो हमारा ये स्पेलिंग होता है. और जब रूल्स रेगुलेशन की बात आए तो ये होता है. विल यू कीप इन माइंड? थैंक यू नरेंद्र शर्मा जी, आप तो जानते होंगे ऑर्डिनेंस को. जानते हैं सर, सबको बता दो. और इंडिया में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का सबसे बड़ा कहां पे है, विच सिटी ऑफ इंडिया? हाँ नरेंद्र शर्मा जी, आप बताइए. चलो चलो, पेन और पेन, ये देख लेते हैं.
अ सिंगल शीट ऑफ ग्लास इन अ विंडो, ये होता है ना, ये पेन दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ऑल राइट। और पी आई एन, हाईली इनप्रेजेंट फिजिकल सेंसेशन, ये दर्द होता है, आउच, बहुत पेन हो रहा है, दैट वी नो। चलो तो ये तो हम जानते ही हैं, हु ब्रोक द पेन ऑफ ग्लास, वेरी इजी, पैलेट और पैलेट, बहुत अच्छा आ रहा है। कैन ही स्टडी बैंक दिन में खुशियों की याद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो अब शायरी ना करें, लोगों के साथ शेयर कर दें मेरे वीडियोस को। और जो लोग इंग्लिश में बोर होते हैं, इनके मार्क्स नहीं आते हैं, जिन 5 नंबर आने से इनकी लाइफ बन सकती है, प्लीज उनको मेरे वीडियोस दे दिया करो। ये वीडियो मत देना, ये समझ गए कि नहीं, ये तो उन लोगों के लिए जो मुझसे डेली पढ़ते हैं, उनको वो वीडियोस देना। रीडिंग कॉम्प्रिशन ट्रिक्स, पैरा जम्बल ट्रिक्स, ऑडमन आउट ट्रिक्स, समरी ऑफ द पैराग्राफ ट्रिक्स, मैच द कॉलम्स, ठीक है, वो वाली इन्फ्रेंस वाले, पैराग्राफ कंप्लीशन, वो वाली वीडियो जरूर दे देना प्लीज। आप दूसरों को हेल्प करो। हाँ, इधर आ जाओ। अच्छा हाँ, गोला बारूद, तो पैलेट देखो ये वाला, पी ए एल ए टी, अ पर्सन एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड अप्रिशिएट डिफरेंट फ्लेवर्स, तो ये पैलेट हो गया, पी ए एल ई डबल टी, ठीक है, अ रेंज ऑफ कलर्स यूज्ड बाय पर्टिकुलर आर्टिस्ट और इन अ पर्टिकुलर पिक्चर। देखो आपको पता है, आपने भी यूज किए होंगे, एक हमारे पास ऐसा बॉक्स होता है, उसमें रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, हमें तो ये 4 ही कलर आते हैं, ठीक है, गर्ल्स को तो पता होता है कि 10-12 कलर के नाम पता होते हैं, तो उन्हें पैलेट बोलते हैं, वो जो कलर वाला होता है, वो जो बॉक्स होता है, क्लियर। प्रियंका शाहू, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है जब प्रेसिडेंट एक रूल बनाता है ना, रूल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, तो उसके जो रूल होते हैं, ऑर्डिनेंस, ओआरडीआई वाला, ओआरडीएनएनसी, गोला बारूद की फैक्ट्री। चलो नेक्स्ट, द रेंज ऑफ कलर्स यूज्ड बाय पर्टिकुलर आर्टिस्ट और इन अ पर्टिकुलर पिक्चर। हाँ, और सुनो, एक पैलेट का ये, इसको ऐसे समझ लो, आई शेडो पैलेट। हाँ देखो, सोनिया को पता है। अब बाकी इधर देखो, इसका दूसरा मीनिंग भी समझ लो, मतलब वही सेम मीनिंग है कि देखो, पैलेट का एक और वर्ड होता है कि देखो, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट कर लेना। मेरे सामने 56 भोग रखे हुए हैं, ओके, 56 डिफरेंट फूड आइटम्स, आई कैन टेस्ट देम, द एबिलिटी टू नो द डिफरेंट टेस्ट, पैलेट बोलते हैं। तो आप इसको टेस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट टेस्ट भी लिख सकते हैं इसको, टू नो द डिफरेंट, टी एस टी, ऑलराइट। तो पैलेट टेस्ट है और पी एल टी वो कलर्स हैं, सिंपल। चलो पैडल पैडल, चलो आ जाओ सब लोग। ओनली 45 वॉचिंग, नॉट डन, प्लीज इनवाइट 1 पर्सन, मेक इट 100 एटलीस्ट, क्विज के टाइम पे सबको लेके आओ। पैडल, तो फुट ऑपरेट थ्रॉटल ब्रेक, पैडल होता है, साइकिल सबने चलाई है, पैडल मार के, ठीक है, और हमारी जो बोट होती है पानी वाली, उसमें पैडल होते हैं। अब बात तो इसकी हो रही है, इसकी, पैडल की, ठीक है, ये हमें एक नंबर दे सकता है। तो पैडल में ट्राई टू सेल समथिंग, स्पेशली स्मॉल गुड्स बाय गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखो आपने देखो, गली मोहल्ले में आते हैं ये सामान लेने, सामान बेचने आते हैं जो लोग, ठीक है, तो एक वो जो सामान बेचते हैं, गुड्स, एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाते हैं, उसे पीई डबल जेड पैडल बोलते हैं। इधर देखो, ही पैडल्ड प्रिंटिंग मटेरियल्स अराउंड द कंट्री, तो पैडल मतलब एक जगह से दूसरी जगह से सामान जाके बेचा, तो पीईडीएल पैडल ये करना, और पीईडब्ल्यूएल टू सेल डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, ओके, गोइंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, थैंक यू गाइस, गुड इवनिंग सर जी, कौन है, हाय। चलो नेक्स्ट, परपिट्रेट और परपिचुएट, बहुत अच्छे वर्ड हैं, ठीक है, अगर आप जानते तो लिख देना कि यस सर आई नो दिस वर्ड, परपिचुएट। अभी इस पे क्विज होगा, इस पे क्विज होगा, जैसे ही 50 वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद क्विज होगा एवरीवन। तो देखो, परपिट्रेट, कैरी आउट और कमिट। देखो निर्भया केस सबको पता है ना, द रेप केस, तो वो बहुत ज्यादा मतलब डिजास्टर हुआ था, ऐसी मतलब बहुत बुरा होता है लोगों के साथ में, लेकिन वो केस बहुत हाईलाइट हो गया था, ठीक है, किसी के साथ ना हो, सब सेफ रहें। तो परपिट्रेटर्स ऑफ निर्भया केस, परपिट्रेटर्स मतलब दोज गाइज हु कमिटेड दिस सिन, ये पाप जो उन लोगों ने जो करने वाले होते हैं, परपिट्रेटर्स कहते हैं। अजमल कसाब वॉज द परपिट्रेटर ऑफ 2611 मुंबई, ओके, बॉम्ब ब्लास्ट। तो परपिट्रेटर याद रखोगे,
विल यू कीप इन माइंड? चलो, तो परपिट्रेटर्स वो लोग होते हैं, अ क्राइम हैज बीन परपिट्रेटेड, क्राइम कर दिया गया है, उन्हें परपिट्रेटर्स बोलते हैं। इसको वर्ब की तरह यूज करोगे तो परपिट्रेटेड होगा, अगेंस्ट अ सॉवरेन स्टेट। अब ये देखो, परपिचुएट, मेक समथिंग कंटिन्यू इंडेफिनेटली, व्हेन अ फिनोमेना, एन एक्टिविटी, एन इवेंट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट्स अ परपिचुएट, राइट? ठीक है, द कंफ्यूजन वॉज परपिचुएटेड थ्रू इन एडवर्टेंस। देखो ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, इसको भी बताऊंगा मैं आपको, अच्छे से सुनो। तो परपिचुएट मतलब कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो कंफ्यूजन बना रहा 6 महीने तक, और परपिट्रेट मतलब होता है कि टू कमिट अ सिन, कमिट अ क्राइम। चलो इतना समझ में आ गया। हाँ, दोषी ही होते हैं, बोलो दोषी होते हैं परपिट्रेटर्स, द बैड गाइज। अब सुनो, इन एडवर्टेंटली कितने लोगों को पता है, INADVERTENTLY, इन एडवर्टेंटली का मतलब होता है बिना जानबूझ के, ऐसे याद रखना, मतलब नोइंगली अननोइंगली। जैसे कि आप मेरे सामने बैठे हो और मैं ऐसे पानी पी रहा हूं, तो एक होता है कि मैं ऐसे चलता हुआ आ रहा हूं, पानी पीते हुए अचानक आपके ऊपर गिलास गिर गया और आप भींग गए, ठीक है। और एक होता है कि आप सामने बैठे हो, पता नहीं व्हाट्सएप पे किसी का चैट कर रहे हो आप मेरी क्लास में बैठ के, और मैंने पानी लेके यूं फेंक दिया आपके ऊपर, तो वो हो गया एडवर्टेंटली, ADVERTENTLY, एडवर्टेंटली मतलब जानबूझ के किया मैंने आपके साथ, और इनएडवर्टेंटली मतलब अननोइंगली हुआ। क्लियर? आर यू क्लियर? यस, दोषी होते हैं भाई, दोषी होते हैं। हाँ चलो आ जाओ, चलो नेक्स्ट, पर्सनल, पर्सनल ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है, डोंट गेट पर्सनल विद मी, समझ गया, और इट्स आर पर्सनल मैटर, स्टे अवे, स्टे अवे, इट्स आर पर्सनल मैटर, तो हम ये तो जानते हैं, ठीक है, पर्सनल, ठीक है, आर्मी पर्सनल, पुलिस पर्सनल, आपको पता है कि ये सारे स्टाफ जो होता है, ठीक है, आजकल जो कोरोना वायरस का क्राइसिस हो गया है, ठीक है, तो वो तो उन्हें पर्सनल बोलते हैं हम लोग, स्टाफ, तो पर्सनल स्टाफ होता है। अच्छा, DOPT की फुल फॉर्म कौन बताएगा, लिख के दिखाओ, DOPT, आप आई थिंक सब लोग DOPT से ही जुड़े हुए रहोगे, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो आई थिंक DOPT का मेल आपको आएगा ही आएगा, DOPT का नाम आप बार बार सुनोगे, तो वॉट इज द फुल फॉर्म फॉर DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, बाई द वे। चलो, सो PERSONNEL मीन्स स्टाफ, ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, हाँ, प्रेस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब, वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, सुनो इसको, हाँ, प्रेस्क्राइब तो जानते हो, देखो प्रेस्क्राइब में एक रूट वर्ड लिखा हुआ है SCRIBE, स्क्राइब, ठीक है, स्क्राइब का मींस होता है राइट, तो डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब करता है ना मेडिसिन को, लेकिन प्रोस्क्राइब का मतलब होता है हर वो बात जो मना करता है, तो प्रोस्क्राइब मीन्स प्रोहिबिट कर देना। सुनो, सुबह हमें हर्बल लाइफ वाले खाना खाना चाहिए, वो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, लेकिन डॉक्टर ने यह भी बोल दिया, ठीक है, हाँ, डॉक्टर ने यह भी बोल दिया कि आपको रात को बियर नहीं पीनी है, तो डॉक्टर प्रोस्क्राइब्ड, PROSCRIBE मतलब डॉक्टर ने मना किया हुआ है, और डॉक्टर ने बोल दिया आपको वेजिटेबल्स खाने, तो वो प्रेस्क्राइब किए, समझ गया? चलो जल्दी बताओ, चलो आ जाओ, समझ गए सब लोग, आई थिंक क्लियर, ये बहुत पॉपुलर वर्ड है, ट्रस्ट मी, हर एग्जाम ने इसको पूछा हुआ है, सो लेट्स गो फॉर इट। हाँ, प्रोस्क्राइब बैन होता है। अच्छा, प्रोसीड, ये सुनो, अच्छा मैं आपसे एक वर्ड पूछने वाला हूं, इसका जो आंसर क्या देगा, यू आर द चैंपियन ऑफ दिस क्लास, अगर आपने वो मीनिंग बता दिया तो, रेडी, डू यू वांट टू बी द चैंपियन, चेक आउट, तो देखो, प्रोसीड, बिगिन अ कोर्स ऑफ एक्शन, ओके, हम बोलते हैं लेट्स प्रोसीड, हम लोग कहीं जा रहे हैं माउंटेन पे, हम लोग ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, तो और आप 50 लोगों, मैं भी हूं, अमित पांडे सर भी हमारे साथ में मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग जाते हैं ट्रिप पे, तो हम बोलेंगे लेट्स प्रोसीड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो प्रोसीड हो गया, अब हो गया प्रीसीड, प्रोसीड का मतलब होता है पहले आने वाला, PRE, पहले आने वाला, सब कम बिफोर समथिंग इन टाइम, अ गन बैटन हैड प्रीसीडेड द एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन हुआ उससे पहले गन बैटन हो गया था,
धमाका हुआ, धमाके से पहले गन फायरिंग हुई थी, तो गन फायरिंग को क्या बोलेंगे, प्रीसीडिंग एक्टिविटी बोलेंगे। अब जो क्वेश्चन आ रहा है चैंपियन बनने का, वो है एक वर्ड होता है प्रोसीडिंग्स, ठीक है, PROCEDINGS, प्रोसीडिंग्स, ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है, और मैं सेंटेंस भी दे रहा हूं आपको, आर यू रेडी फॉर द चैलेंज, काम शुरू करते हैं, यस, ऑलराइट, ओके, तो प्रोसीडिंग्स देखो, सचिन तेंदुलकर एंड ऑल द रिटायर्ड प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, दे प्लेड ओके अ चैरिटी मैच, द प्रोसीडिंग्स विल गो टू द ऑर्फन्स, ठीक है, तो बताओ कोर्ट प्रोसीडिंग्स तो वही हो गया कि कोर्ट में जो काम चलता है वो, लेकिन सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, जैक स्कैलिस, ऑल दीज गाइज प्लेड अ मैच, चैरिटी मैच, एंड द प्रोसीडिंग्स विल गो टू द ऑर्फन्स, बताओ, ठीक है, जल्दी बताओ, तो प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है वो जो दान मिलता है, वो जो कमाई होती है जब चैरिटी मैच खेलने के बाद में जो कमाई होती है, तो वो प्रोसीडिंग्स किसी और के वहां जाती है, ये मीनिंग आप नहीं जानते थे, ठीक है, तो इसको लिख लो प्रोसीडिंग्स। आपको केस का प्रोसीडिंग्स पता था लेकिन दूसरा वाला नहीं पता था। इमेजिन करो एक चैरिटी मैच हो रहा है, उसके बाद जो दान इकट्ठा होता है, पैसा इकट्ठा होता है, वो पैसा फिर किसी गरीबों की हेल्प के लिए जाता है, उसे प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। थैंक यू, आगे बढ़ो, मनी कलेक्शन ऑफ फंड, यस, पॉपुलर पॉपुलस, पॉपुलर आप जानते हो, सॉरी नो डिस्कशन, ठीक है, पॉपुलस वेरी पॉपुलेशन, ये भी आप जानते ही हो, ज्यादा पॉपुलेशन उसे पॉपुलस बोलेंगे, ठीक है, और पॉपुलर तो जानते ही हो, बहुत सारे लोग जब आपको एडमायर करते हो, एक दिन मेरे को भी पॉपुलर बनना है, इंडिया इज अ वेरी पॉपुलस कंट्री, और आई मिस्टर नरेंद्र मोदी, आर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ वेरी पॉपुलर पॉलिटिशियन, इट इज बहुत इजी है। नेक्स्ट, रेस्पेक्टेबल और रेस्पेक्टफुल, चलो नेक्स्ट देखो, रिगार्डेड बाय सोसाइटी टू बी गुड प्रॉपर करेक्ट, तो ही इज अ वेरी रेस्पेक्टेबल पर्सन, मिस्टर अमित पांडे माय डियर फ्रेंड इज अ वेरी रेस्पेक्टेबल पर्सन, समझ गया, तो मतलब कि हर कोई उनको रिस्पेक्ट करता है, गुड प्रॉपर एंड करेक्ट, लेकिन रिस्पेक्टफुल, फीलिंग और शोइंग डिफरेंस एंड रिस्पेक्ट, दे सिट इन अ रेस्पेक्टफुल साइलेंस, चलो तो थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, हाँ चलो इधर देखो, हाँ डोनेशन आप बोल सकते हो, फीलिंग और शोइंग डेफरेंस, डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, ठीक है, और तो जब उसे दिखाते हैं उसे रिस्पेक्टफुल बोलते हैं, बी रिस्पेक्टफुल व्हेन एवर यू आर इन माई क्लास, बी रिस्पेक्टफुल, ऑलराइट, ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन, ओके, राइट, रिसोर्स और रिकोर्स, अब ये देखो नया वर्ड आपके लिए आने वाला है, रिसोर्स तो हम जानते हैं, ठीक है, स्टॉक, सप्लाई ऑफ मनी, मटेरियल, स्टाफ, तो ये रिसोर्सेस होते हैं हमारा, ठीक है, इधर देखो, अब आओ इधर, रिकोर्स, अ सोर्स ऑफ हेल्प इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जब एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाए और उस टाइम पे एक सोर्स ऑफ हेल्प को बोलते हैं, तो एक्चुअली इट्स अ हेल्प, ओके, और ये रिसोर्स क्या होता है, ऑल द थिंग्स, हाँ, थैंक यू भाई लोग, चलो, सर्जरी मे बी द ओनली रिकोर्स, तो सर्जरी मे बी द ओनली हेल्प, ओके, in a difficult situation that can be the only help, recourse, chalo next, ab repute or repudiate, dono hi bahut important word hai, theek hai, suno main aapko do word bata deta hu, ek hamare paas hai r e f u s e refuse, ek hamare paas hai number 1 aur number 2 hamare paas mein kaun hai, रिफ्यूट, ये मैंने कल पढ़ाया था, रिफ्यूज का मतलब होता है सीधा मना कर दिया, सीधा यू नो ओपिनियन, यू सेड नो, यू रिफ्यूज्ड, आई ऑफर्ड यू द टी एंड यू रिफ्यूज्ड, चलो मैं पी लेता हूं, हाँ समझ गया, तो यू रिफ्यूज्ड, ओपिनियन से मना कर दिया, और रिफ्यूट का मतलब होता है कि एक लीगल वे में,
आपने चार्जेस खत्म कर दिए, मतलब लॉजिक, साइंस, आर्गुमेंट, स्टेटमेंट, समझ रहे हो ना। और उसके थ्रू जब किसी चीज को ऑफिशियली मना किया जाए चार्जेस, ठीक है, कोई भी चीज, तो उसे रिफ्यूट बोलते हैं। तो रिफ्यूज और रिफ्यूट में ये डिफरेंस है, रिफ्यूज नॉर्मल और रिफ्यूट मतलब लीगली ऑफिशियली। बाय लॉजिक किसने लिखा है, प्रियंका शाह। चलो तो रिफ्यूज और रिफ्यूट तो हम समझ गए, ठीक है। अब इधर आ जाओ, रिपुडिएट, ठीक है। तो रिपुडिएट, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मतलब रिजेक्ट कर देना। सी हैज रिपुडिएटेड पॉलिसीज एसोसिएटेड विद द प्रीवियस पार्टी लीडर्स, तो उसने वो चीजें रिजेक्ट कर दी हैं। तो इसमें हम एक चीज समझे, रिफ्यूज और रिपुडिएट तो ऑलमोस्ट सेम है और रिफ्यूट अलग है। मैं रिपीट कर देता हूं, refuse, रिफ्यूज, और repudiate, रिप्यूडिएट। इसका मतलब होता है कि आपने कोई चीज मना कर दी, वो अपनी पर्सनल ओपिनियन से। एक डंडा की जो इधर आ जाओ इस वाले कॉलम में, इसमें लिखा रिफ्यूट, ये वाला ऑफिशियली लीगली, और आपने आर्गुमेंट के थ्रू जब कोई चीज खत्म करी। इसमें आर्गुमेंट नहीं है, इसमें आर्गुमेंट है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। रेग्रेटेबल और रिग्रेटफुल, ये देखो, गिविंग राइज टू रिग्रेट, अनडिजायरेबल, अनवेलकम, द लॉस ऑफ दिस नंबर ऑफ जॉब इज रिग्रेटेबल। कोई चीज ऐसी है जिसे हम रिग्रेट कर सकते हैं, भूल सकते हैं। रिग्रेटफुल, फीलिंग और शोइंग रिग्रेट, ही साउंडेड रिग्रेटफुल, वो काफी ज्यादा पछतावा फील कर रहा था, रिग्रेटफुल, बट पॉइंटेड आउट दैट ही हैड कमिटेड हिमसेल्फ, ठीक है, उसने खुद ये सब किया है और वो रिग्रेटफुल फील कर रहा था। और ये चीज रिग्रेटेबल है कि हम इसे रिग्रेट कर सकते हैं, मतलब इसे भूल सकते हैं। तो देखो दो चीजें हैं, रिग्रेटेबल कुछ और होगा और रिग्रेटफुल तुम खुद होगे। क्लियर, I am very regretful that I could not attend your wedding. आप ऑफिसर बन गए, आपने मुझे इन्वाइट किया, अभी इन्वाइट तो करोगे ना, ठीक है, इन्वाइट कर देना, एक लिफाफा लेके आऊंगा, ठीक है, 11 रुपए का। Anyway, so, तो I am feeling regretful. तो मतलब regretful मैं खुद करता हूँ और regrettable कोई और सिचुएशन होगी। Next, rage versus race, इधर आ जाओ। अभी हम क्विज करने वाले हैं, ठीक है गाइज, इसके 3 पार्ट होंगे, 4th पार्ट भी होगा, आज पार्ट 2 है ये। रेज और रेज, रेज देखो, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, बुलडोजर अपने सामने इमेजिन करो और रेज द बिल्डिंग, उसने कंप्लीटली बिल्डिंग को तोड़ दिया। और रेज मतलब गुस्सा, वायलेंट, समझ रहे हो, एंगर, एंगर, ठीक है। और रेज तो बिल्डिंग को तोड़ फोड़ कर दिया, तो ठीक है, रेज मतलब समझ गया ना, BUILDING, बिल्डिंग को तोड़ फोड़ कर दिया, तो एकदम रेज हो गया और गुस्सा आ गया, तो रेज। चलो चलो, राइड और ड्राइव, ठीक है, ड्राइव देखो, ऑपरेट अ कंट्रोल द डायरेक्शन स्पीड ऑफ द मोटर व्हीकल, ठीक है, ही गॉट इनटू हिज कार एंड ड्रोव ऑफ। बाय द वे छोटी सी बात समझो, जो हमारी स्कूटी होती है, ठीक है, मोपट स्कूटी, और हमारा जो बाइक जो होता है, दो पहिए वाले को राइड करते हैं, 4 पहिए वाले को ड्राइव करते हैं, इतना याद है। अच्छा, ये पिलियन राइडर क्या होता है, पिलियन राइडर ये कौन होता है, PILLION, पिलियन, हाँ बताओ, ठीक है, मतलब ड्राइव हम, ठीक है, एक 4 पहिए वाले व्हीकल को करते हैं, 2 पहिए वाले को हम राइड करते हैं, लेकिन हाँ इसमें देखो एक चीज और लिखी हुई है कि किसी एनिमल को अगर हम राइड कर सकते हैं, हम उस एनिमल को ड्राइव नहीं कर सकते। पिलियन राइडर होता है जब आप कभी रोमांटिक ड्राइव पर निकले होंगे, तो जब किसी के साथ रोमांटिक हो गए, पीछे जो आपके बैठता है ऐसे हाथ डाल के, वो पिलियन राइडर होता है पीछे वाला। तो पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहनना चाहिए, दोनों की सेफ्टी जरूरी है, समझ गया। चलो नेक्स्ट, ओके, पीछे जो बैठता है, ठीक है, चलो, राउट, 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 अ डिसऑर्डरली रिट्रीट ऑफ डिफीटेड ट्रूप्स, द रिट्रीट डी जनरेटेड इनटू अ राउट, मतलब रिट्रीट का मतलब होता है गोइंग बैक। एक बैटल चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान, पाकिस्तान वाले रिट्रीट करेंगे, वही गिव अप करके पीछे जाएंगे, ऑफ कोर्स हम तो नहीं जा सकते ना, वी आर द पावरफुल,
ठीक है, तो वो जो रिट्रीट बोलेंगे, तो वो जो रिट्रीट होकर वापस जाकर के जो लोगों का ग्रुप बनेगा, ठीक है, हारे हुए लोगों का जो उनकी आर्मी का बनेगा, उसे हम राउट बोलेंगे। पिलियन राइडर वो होता है जो पीछे बैठता है, बाइक आप चला रहे हो ठीक है, स्प्लेंडर प्लस पीछे जो बैठा होता है वो पिलियन राइडर होता है। अब तो क्लियर? हाँ, तो सुनो, तो अडेसोल्ट रिट्रीट ऑफ ट्रूप्स, तो जब पाकिस्तानी आर्मी हार के पीछे जाएगी तो उसे ROUT बोलेंगे, और ये रूट होता है, हमारा रास्ता होता है, एक ये शॉर्टेस्ट रूट है। ठीक है, अ वे अ कोर्स टेकन गेटिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू डेस्टिनेशन, ठीक है, रूट बोलते हैं, रास्ता जो रूट होता है, ROUT मतलब आर्मी होता है। सेप्टिक सेप्टिक ये वाला देखो, तो SEPTIC ऐसे इन्फेक्टेड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक, स्पेशली हार्मफुल बैक्टीरिया, सेप्टिक नहीं हो जाता यहाँ पे, यहाँ पे कुछ लोहा लग गया फिर सेप्टिक हो जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया वाला कहानी हो जाती है। हिज फीट हैड गॉन सेप्टिक, सड़ गया है, बर्बाद हो गया है, खराब हो गया है। और सेप्टिक अ पर्सन जो डाउटफुल होता है, डोंट बी सेप्टिक, डोंट बी डाउटफुल, ओके, डाउट, ये जो बूंद हो जाता है सेप्टिक, बूंद तो समझते हो ना, घाव। चलो नेक्स्ट, लुक और वॉच, ये तो सिंपल है, लुक डायरेक्ट वंस गेज, जो नजरें होती हैं इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है, लुकिंग एट द टावर, तो तुमने फिक्स कर देखा, चलो पीपल लुकिंग एट हिम, वॉच लुक एट और ऑब्जर्व अटेंटिवली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब अपनी गेज आपने कहीं पे लगाई तो यू आर लुकिंग एट समथिंग, और वॉच मतलब अटेंटिवली जब किसी चीज को देखते हो, ऐसे घूरते हो बैठ के 1 घंटे तक किसी को, समझ गया, तो वो वॉच होता है। अटेंटिवली जब तुम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक किसी चीज को घूरो तो वॉच होता है, और जब से रैंडम आप लुक करो तो लुक, ही लुक्ड एट मी, तो देखा फिर हट गया, और घूरते रहे तो वॉच हो गया। नेक्स्ट, ग्लेयर, ग्लेयर और ग्लिम्स, ग्लेयर स्टर इन एंग्री ऑफ फियर्स वे, ही ग्लेयर एंड टू मी, ऐसे घूर के देखना, हे यू, आई एम टॉकिंग टू यू, ग्लेयर्ड, ठीक है। और ग्लिम्स मतलब किसी की एक झलक, अ मोमेंटरी पार्शियल व्यू, जैसे कि मैं अपनी बालकनी पर खड़े हो जाऊं और नीचे से एक रैली निकल रही है, तो ग्लिम्स, नीचे से ऐश्वर्या राय भी मेरी कॉलोनी में रहती है, दीपिका पादुकोण रहती है, तो आई गॉट अ ग्लिम्स ऑफ ऐश्वर्या राय, एक मोमेंट्री झलक बस उसकी मिली, समझ गया। हाँ, और ग्लेयर मतलब गुस्से से घूर रहा हूं मैं। नेक्स्ट, सीवियर और एम्पुटेट, ये तो बहुत अच्छा वर्ड है, तो डिवाइड बाय कटिंग और स्लाइसिंग, स्पेशली सडनली फोर्सिबली, द हेड वॉज सीवर्ड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, तो मतलब कि उसको कट कर देना, बॉडी से हेड कट कर दिया, चलो। और एम्पुटेट, एम्पुटेट का मतलब होता है कि जब सर्जिकली, जब जैसे डॉक्टर्स की, जैसे ये मेरी आर्म, एक एक्सीडेंट हो गया और ये माय लेफ्ट आर्म ये डॉक्टर ने काट दी, तो वो एम्पुटेट हो जाएगा, तो एम्पुटेट में डॉक्टर इन्वॉल्व है, याद रखना। ये एम्पुटेट, ये SSC में 1 नंबर का कई बार आता है, एम्पुटेशन, जब किसी सर्जिकल प्रोसेस से बॉडी पार्ट को हम काट देते, निकाल देते, चाहे एनी बॉडी पार्ट, उसे एम्पुटेशन बोलते हैं, डॉक्टर सर्जिकल। ऑलराइट, हाँ, और अचानक से सर कट गया, सीवर, द हेड वॉज सीवर्ड फ्रॉम द बॉडी, अब ये जरूरी नहीं डॉक्टर से, कई बार आपने सुना है, आप ऐसा कभी मत करना, कभी पतंग मत उड़ाना भाई, याद है आप लोगों ने जब ये बसंत पंचमी या कुछ आता है तो वो जो तो जो उड़ाते हैं ना, ये पतंग उड़ाते हैं, वो मांझा होता है, तो उसमें वो जो चाइनीज वाला मांझा होता है, उसे घी कट जाती है गर्दन, ऐसे लटक रहा था, एक बाइक वाला जा रहा था, उसका यहाँ से कट गया पूरा, तो उसे सीवर्ड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सूट और स्वीट, अ सेट ऑफ आउटर क्लोथ मेड ऑफ द फेम फैब्रिक, ये तो सूट हो गया, SUIT, स्वीट, स्वीट बोलते हैं इसको, ऊपर वाला सूट होता है, सूट बूट पहन के निकला भाई, और स्वीट, स्वीट वो होता है जो बड़े बड़े लोग बड़े होटल में जाते हैं, स्वीट होता है, कई सारे रूम होते हैं वहां पे, एंड ऑफिस होता है, डाइनिंग रूम होता है, ये रूम होता है, लग्जरी हर होटल में होता है, एक स्वीट, अ सेट ऑफ रूम डेजिग्नेटेड फॉर वन पर्सन फैमिली यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, अ स्वीट ऑफ रिसेप्शन रूम्स, ठीक है ना, बड़े बड़े होते हैं तो वो स्वीट में ठहरते हैं, बड़े एक्टर्स, क्रिकेटर्स एंड ऑल।
ठीक है, अब इधर देखो स्टैच्यू स्टैट्यूट, देखो एस टी टी यू अकाउंट फर्स्ट, ठीक है स्टैच्यू वो सबसे बड़ी इंडिया में स्टैच्यू किसकी बनी है, ठीक है फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, ठीक है तो वो इस तरह की स्टैच्यू गांधी जी की स्टैच्यू बन गई है किसी की, ठीक है लाइफ साइज लार्जर, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। स्टैट्यूट देखो अ रिटन लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी, जो लॉ होता है ठीक है उसे स्टैट्यूट बोलते हैं। अब इसमें हमेशा डिफरेंस आता है, वो गलत कर देते हैं, एस टी एस टी सिमिलर है ठीक है, वो है टी यू ई, ये है टी यू टी ई, एस टी ए टी यू टी ई। चलो द एक्ट कंसोलिडेटेड स्टैट्यूट डीलिंग विद द नॉन फैटल ऑफेंसेस, तो नीचे वाला लॉ है ऊपर वाला मूर्ति है। चलो स्ट्रेट, हाँ पटेल सरदार पटेल साहब, यस। चलो एस टी आर आई टी, ये भी बड़ा, ये बड़ा पॉपुलर है पहला वाला वर्ड, ये एग्जाम में आता है क्योंकि हम इसको तो जानते हैं। स्ट्रेट होता है अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज और टू अदर लार्ज एरियाज ऑफ वाटर, ये एक नंबर का एस एस एग्जाम में और हमारे में भी आ सकता है ठीक है। जब दो सीज को कनेक्ट करने वाला एक स्ट्रेट नैरो पैसेज होता है पानी का, उसे स्ट्रेट बोलते हैं। द स्ट्रेट्स ऑफ गिब्राल्टर, उस जगह वाले ठीक है, समंदर पानी का पैसेज कनेक्ट करने वाला एस टी आर आई टी। और ये स्ट्रेट लाइन तो देखो मैंने खींची थी कि स्ट्रेट लाइन पॉइंट ए पॉइंट बी स्ट्रेट लाइन। चलो नेक्स्ट, अच्छा ये वाला सब जानते हैं, इस पे तो हमेशा एरर आई है। इधर देखो स्टेशनरी स्टेशनरी, देखो स्टेशनरी जो पहले वो समझ लो स्टेशनरी ई वाला, ये आपको ई दिख रहा है बाबा, मैं तो ऐसे याद किया हूं ई इज इक्वल टू इरेजर, इरेजर नहीं होता इसे मिटाने वाला इरेजर, तो स्टेशनरी वो होती है स्टेशनरी शॉप वाली, जहां पे हमारे पेंसिल बुक्स सब कुछ हमें मिलता है एवरीथिंग। ऑलराइट चलो, हाँ नेक्स्ट देखो इरेजर हो गया ओके वो ये स्टेशनरी कौन सा है, नॉट मूविंग स्टिल, बिल्कुल स्टेशनरी मैं ऐसे हो गया नॉट मूविंग एट ऑल, तो ध्यान रखना भाई बिल्कुल स्टिल नॉट मूविंग। ऑलराइट मैं आपको पीडीएफ तो दे दूंगा ठीक है, टेलीग्राम प्लीज टेलीग्राम लिख दो, अब इधर आ जाओ। अच्छा सुनो एस आई जी एच टी साइट, सी आई टी ई साइट और एस आई टी ई, रेडी हो तीनों जानते हो क्या, या कौन से जानते हो, डिफरेंस समझते हो ना। चंद्रिका सिद्धम रेडी, हाय चंद्रिका थैंक यू, एंड आई होप आपने सारे वीडियोस देखे होंगे, डू नॉट मिस अ सिंगल वीडियो, कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा ठीक है, कुछ छोटे छोटे टुकड़े मिलाकर कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। चलो तो गाइस सुनो, ये साइट क्या होता है, नजारा व्यू, व्हाट अ वंडरफुल साइट, लुक एट अ ब्यूटीफुल लेडी ऐश्वर्या राय बच्चन ओके डांसिंग इन द रेन, व्हाट अ साइट ओके। सी साइटेड एन एग्जांपल, माय टीचर ऑफ इंग्लिश साइटेड एन एग्जांपल, उन्होंने बोला स्पीक से बोला, और साइट मतलब प्लेस, कंस्ट्रक्शन साइट जानते हो आप लोगों ने सुना होगा, कहाँ है, हाँ मैं साइट पे जा रहा हूँ भाई, अभी मैं साइट पे हूँ, मतलब दैट पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्किंग आप लोग काम करते हैं, एस आई टी साइट प्लेस होता है। सी आई टी साइट कहना, रिसाइटेड अ पोइम, पोइम बोलना कहना ठीक है, और साइट मतलब व्यू, क्लियर। चलो नेक्स्ट शेयर हैप्पीनेस, चलो ये देखते हैं शेयर, नथिंग अदर देन देन अनमिटिगेटेड यूज ऑफ इंप्रेसेस, शी गिगल्ड विद शेयर डिलाइट, कंप्लीट डिलाइट ओके, सम ऑफ माय स्टूडेंट वॉच माय क्लासेस विद शेयर हैप्पीनेस, कितने लोग हैं जो मेरी क्लासेस को शेयर हैप्पीनेस शेयर इंजॉयमेंट ओके विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, दे लव इट विदाउट एनी डाउट, दे वॉच माय क्लासेस ओके शेयर। हाँ इधर आ जाओ ओके, एंड दिस शेयर कट द वूल ऑफ अ शीप ओके, अब ये क्या है कि जो भेड़ होती है हमारी ठीक है ना, तो उनका ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं ठीक है ना, तो उनकी वूल काटते हैं और उससे कपड़े बनते हैं, पता है ना सबको।
तो पॉल हैज नेवर सीयर्ड अ शीप बिफोर, मतलब एक शीप होती है, भेड़ होती है, और उसकी वो जो बाल होते हैं उसने वो कभी नहीं काटे हुए हैं। हैज नेवर सीयर्ड अ शीप बिफोर। चलो टो वर्सेस टो, ये तुम जानते हैं। अभी क्विज होने वाला है, सो वेट फॉर इट। टो, एनी ऑफ द फाइव डिजिट्स एट द एंड ऑफ ह्यूमन ओके फुट। तो टो तो हमको पता ही है, ये होता है टो, ठीक है। ही कट इज बिग टो ऑन अ शार्प स्टोन। और टी ओ डब्ल्यू पता ही है, अगर आप रॉन्ग पार्किंग कर दोगे सड़क पे तो टो कर ले जाते हैं व्हीकल को। टी ओ डब्ल्यू जानते हो ना, टो करके ले जाते हैं। कभी आपको व्हीकल टो हुआ है बताओ? और फिर मोटर व्हीकल ऑफ बोट पुल अलोंग विद द रोप जॉन इट ओवर अ पिकअप वैन टोइंग अ ट्रेलर। नेक्स्ट, हाँ बॉल टेम्परिंग सुना है? बॉल टेम्परिंग के आरोप लगते हैं पाकिस्तानियों पे, लगते रहते हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया वालों पे भी लगे थे। तो टेम्पर, इंटरफेयर विद इन ऑर्डर टू कॉज डैमेज और मेक अनऑथराइज ऑल्टरेशन चेंज, अनऑथराइज ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन मतलब चेंज। तो जब आप कोई रूल है और उस रूल को तोड़ के कुछ चेंजिंग करते हो, टेम्परिंग बोला जाता है, टेम्परिंग बोला जाता है, ठीक है। समवन टेम्पर्ड विद द ब्रेक्स ऑफ माय कार, किसी ने मेरी कार की ब्रेक खराब कर दी है, मैं चला बूम एक्सीडेंट हो गया। बॉल टेम्परिंग होती है, बॉल की जो सीम होती है उसे छेड़छाड़ कर देते हैं लोग, जिससे कि बॉल अजीब सा बिहेव करती है और आउट हो जाते हैं। चलो अब इधर टेम्पर, टेम्पर तो गुस्सा होता है, स्टेट ऑफ माइंड, सिम्टम्स ऑफ देयर वेरी एंग्री। टेम्पर क्या होता है? गुस्सा होता है, एंगर। चलो नेक्स्ट, टेम्परेरी और टेम्पोरल, बहुत अच्छा वर्ड है। कितने लोग, कितना लोग वॉच कर रहे राइट नाउ? ऑल राइट। अच्छा इसका मीनिंग बताओ, टेम्पोरल, टेम्पोरल समझते हो आप लोग? छेड़खानी करना, यस यस यस, स्मिथ एंड वॉर्नर, राहुल कुमार सर, साइटेशन। देखो साइटेशन का मतलब होता है कि जब एक स्पीच में आपकी तारीफ की जा रही है तो साइटेशन होता है, ठीक है। एक स्पीच दे रहा है तो साइटेशन मतलब कि अप्रेजवर्दी स्पीच, ठीक है, आ स्पीच जिसमें आपकी तारीफ की गई है, साइटेशन। आप और आपने नोबेल प्राइज जीत लिया तो एक 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 हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके बारे में लिखा जाता है, बोला जाता है, वो साइटेशन होता है। तो आओ टेम्पोरल, रिलेटिंग टू वर्ल्डली अपोज्ड टू स्पिरिचुअल अफेयर्स, ठीक है। द चर्च डिड नॉट इमिटेट द सेकुलर रूलर्स हु थॉट ओनली ऑफ टेम्पोरल गेन। देखो एक होता है स्पिरिचुअल, गॉड, डिवाइन, स्लेस, दूसरा वाला हमारे पास में होता है टेम्पोरल, मतलब बिल्कुल रिलेटेड टू अर्थ, सब कुछ फिजिकल, नॉट स्पिरिचुअल। आई वॉन्ट पिज्जा, टेम्पोरल, ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू टॉक टू द गॉड, ठीक है, तो वो स्पिरिचुअल हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। और टेम्पररी तो बताइए, लास्टिंग फॉर ओनली लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, टेम्पररी होता है। टेम्पोरल रिलेटेड टू वर्ल्डली, मतलब वर्ल्ड से रिलेटेड का मतलब होता है। देखो टेम्पोरल, ये वॉच, ये लग्जरी आइटम्स, दीज आर ऑल टेम्पोरल। चलो टिटिलेट, बहुत अच्छा वर्ड है, इस वर्ड को किसी ने सुना था, ठीक है, टिटिलेट। अब अराउज समवन टू इंटरेस्ट और माइल्ड एक्साइटमेंट, कई बार क्या होता है कि कई बार आपको अगर कोई यहाँ पे दबाए, यहाँ पे दबाए, तो आपको टिटिलेशन फील होता है, यू फील एक्साइटेड, यू फील अराउज्ड, ओके, आपके अंदर कुछ कुछ होता है, टिटिलेट होता है। एक एक्टिविटी आपके, एक फीलिंग आपके अंदर आ जाती है, इट कुड बी अ लवली फीलिंग, इरिटेटिंग फीलिंग, कैसी भी फीलिंग हो सकती है, ओके, तो टिटिलेटिंग। ऑलराइट, हाय, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। चलो फॉर एग्जाम्पल, द प्रेस आर पेड टू टिटिलेट द पब्लिक। अब प्रेस मतलब ये हमारे जो न्यूज चैनल्स होते हैं और हमारा प्रिंट मीडिया होता है, उनको हमेशा पेमेंट दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक को टिटिलेट करने के लिए, पब्लिक को भड़काने के लिए। तो टिटिलेट के कई सारे मीनिंग है, ठीक है। योर लव्ड वन कम्स टू यू एंड सी और ही स्टार्ट डूइंग समथिंग टू यू एंड यू गेट यू नो एक्साइटेड, सो दैट इज टिटिलेटिंग एज वेल। चलो नेक्स्ट देखो, टिटिवेट, मेक माइनर एनहेंसमेंट टू, She slept on her war pant and tribulated her hair. ठीक है, all right. थोड़ा सा किसी चीज को बढ़ा देना, तो टिटी वेट होता है, टू इनक्रीज अ लिटिल वेट, टू इनक्रीज लिटिल वेट, गुदगुदी करना। हाँ चलो, टॉपिकल और ट्रॉपिकल,
पहले ट्रॉपिकल हम जानते इसी को देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑफ टिपिकल पेकुलर टू द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल कंट्रीज, ठीक है, ज्योग्राफी वाला वर्ड हो गया हमारा ये टॉपिकल। इमीडिएट रेलिवेंस, इंटरेस्ट, इंपॉर्टेंस ओइंग टू रिलेशन टू करंट इवेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक है एक्चुअली, ठीक है, और ये है ट्रॉपिकल हमारा ज्योग्राफी वाला है। चलो नेक्स्ट, वेन, हाँ टिकलिंग, टिकलिंग हो सकता है, यस। ऑल राइट, और क्या क्या कमेंट आ रहा है? अच्छा वॉर पेंट मतलब, अरे सुनो गर्ल्स ऐसे नहीं करती हैं, देखो सुनो, आप सबने हमेशा देखा होगा गर्ल्स, यू नो दिस स्टोरी, व्हेन यू अप्लाई अ लिटिल बिट मेकअप, ठीक है, वॉर पेंट, और देन आप इस तरह से बाल थोड़ा ऊंचे कर लेते हो, समझ गए? तो बाल अगर ऐसे ऊंचे कर लिए, हाँ मैं दिखाई देता हूँ आपको कहाँ के ये वाला, तो टिटी बिट का मतलब होता है आपने थोड़ा मेकअप कर लिया, टचअप, टचअप बोलते हो ना आप लोग, ठीक है, और फिर उसके बाद बाल थोड़े ऊंचे कर लिए, तो उसे टिटी बिट बोलेंगे। यू आर रेडी फॉर द बैटल नाउ, ठीक है। तो वॉर पेंट एक्चुअली वर्ड आया हुआ है वॉर के टाइम पे, लोग थोड़ा सा मेकअप लगा के जाते थे, ठीक है, फॉर एनी रीजन आई डोंट नो, तो इसलिए उसे वॉर पेंट बोला जाता है, टच अप मेकअप। और टिटी बिट मतलब बाल थोड़े ऊपर करके चले गए, एनहेंसमेंट कर दिया। अब क्लियर हो गया? आप तो सबने देखा होगा गर्ल्स आप करते हो, बॉयज आप घूरते हो। बोलो एग्जाम ट्रैकर, ये सेकंड वीडियो, इसका थर्ड फोर्थ आने दो, या फिर थर्ड तक आने दो, उसके बाद से मैं फ्रेजल वर्ब्स का पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री लेके आऊंगा। आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू गाइस, ओके। सो व्हेन हैविंग अ सोइंग एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वन्स अपीयरेंस एवरी इज वर्थ देयर फ्लैटरी मेड हिम वेन, तो मैंने कहना है एक्सेसिवली प्राउड, जब आप मेरी तारीफ करो, सर You looking handsome, sir. Look at your stubble, okay? Your beard, your glasses, your hair. ठीक है? Look at the color, the way you speak, your accent. और पता चला मैं चौड़ा हो गया, ठीक है? I start feeling arrogant. मैं इतना चौड़ा हो गया कि boom फट गया. हाँ. चलो. हाँ चलो. हाँ सर, ये सबके सब. तो when ये हो गया. Excessive proud. और वी आई तो आप जानते हो, ये जो वेन्स होती है हमारी बॉडी में, हाँ पफ बनाते हैं, हाँ सी इज राइट, ये वही पफ होता है, पफ, एनी ऑफ द ट्यूब्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, वेन्स में हमारी, में हमारी नसों में, ठीक है ना, भारत माता का खून बहता है, भारत माता की लॉयल्टी का खून बहता है हमारी वेन्स में, ओके। चलो तारीफ कर दिया करो, कई बार सिर्फ एग्जाम्पल देता रहता हूँ भाई, ओके। वर्बोज तो आप जानते हो, एक एक्स्ट्रा वर्ड, ओके, यू आर टॉकिंग टू मच, नेवर कमिंग टू द पॉइंट, दैट इज वर्बोज। आप सुनो, वर्बियाज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसमें कैट एग्जाम, आप जानते हो गाइस कैट एग्जाम, ठीक है, जीमेट जानते हो, इधर ये वर्ड बहुत आते हैं, हमारे एसएससी में आए हुए हैं और बैंक में भी आते हैं, तो हमें सबको जानना चाहिए। आओ सब लोग आ जाओ। सो वर्बोज, यूजिंग एक्सप्रेशन मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, जरूरत है उससे ज्यादा वर्ड्स, ठीक है, वर्बोज होता है। मेरी क्लासेस में वर्बोज पढ़ाता हूं मैं आपको, कितने लोगों को वर्बोज ट्रिक याद है प्लीज बताओ, प्रीसाइज वर्सेस वर्बोज, कितने लोगों को याद है? प्रीसाइज मतलब छोटा ऑप्शन, वर्बोज मतलब बड़ा ऑप्शन, वर्बोज इज गलत। जय हिंद जय भारत, यस यस यस। बर्बियाज, एक्सेसिवली लेंथी और टेक्निकल स्पीच और राइटिंग, ठीक है, द बेसिक आइडिया हियर डिस्पाइट ऑल द वर्ब्स इज सिंपल, जब टेक्निकल बात आ जाए राइटिंग में, ये है, ठीक है, आप ऐसे समझ लो, स्पोकन के सेंस में समझ लो इसको, टेक्निकल राइटिंग में समझ लो, टेक्निकल राइटिंग में, ठीक है, एक्सेसिवली लेंथी और टेक्निकल स्पीच और राइटिंग, लेकिन ये टेक्निकल जरूर है, द बेसिक आइडिया, मच एकेडमिक लैंग्वेज ऑब्स्क्योर एंड वर्बोज। सर योर निंजा टेक्निक, यस यस यस। चलो मैं ये वीडियोस के लिंक शेयर कर देता हूं,
All right. Next, देखो virtuous और हाँ loquacious, yes. Virtuous और virtual. Virtuous तो बहुत अच्छा है, having shown high moral standards. Virtuous मतलब पुण्य वाला, समझ गए कि नहीं, having great qualities, good qualities. और virtual तो जानते ही हो, virtual world. Today we are living in a virtual world. हम जो ये पढ़ रहे हैं ये भी virtual दुनिया है. Okay, hello sir, you have helped me a lot. Shriyashti Chatterjee, thank you. Stay blessed. Okay. And make sure कि if you know anyone, ठीक है, जिसको जरूरत है तो जरूर उसको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, टेलीग्राम आईडी जरूर देना और वीडियोज के लिंक दे देना. एंड आस्क दैट पर्सन टू फॉलो ऑल दिस वीडियो कम्प्लीटली. चलो वर्चुअल ऑलमोस्ट एनियरली डिस्क्राइब बट नॉट कम्प्लीटली और अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट डेफिनेशन, द वर्चुअल एब्सेंस ऑफ बॉर्डर कंट्रोल्स. इधर आ जाओ. While or W-I-L-E. Extremely unpleasant. He has a wild temper. बहुत जल्दी नाना पाटेकर. मैंने कितने लोगों को बोला था मेरी क्लास में शेयर करना, कोई भी शेयर नहीं करता है. ठीक है, हाँ. तो अगर मैं गुस्से में बोलूं तो wild temper, गुस्से वाला. W-I-L-E. Devious cunning stratagems employed in manipulating or persuading someone to do what one wants. She did not employ any feminine wiles to capture his attention. मतलब cunning strategies, cunning तो हम जानते हैं, ठीक है, devious और cunning. Matters, I don't have telegram. Can I get your WhatsApp? Okay, you can download the telegram and ask all those person. Okay, हाँ, चलो, if any doubt you can send there. चलो, download the telegram. And it just take, 2 minutes. Because it's very important. You will get all the PDF there. So, devious or cunning. Vile hota hai. Aur ye unpleasant hota hai. Chalo. Next. So, take a conversation on 2 numbers. Sure. Okay. English with. Nahin, English by Narin sir. English by Narin sir. Take a telegram. English by Naren sir. Once you download the telegram, search this. You will get the link. Chalo, aage badhte hain. Guys, ab bas aane wala hai. Ready for the action? Ready for the quiz? Quiz ke liye ready ho? Toh dekho, V-A-L-E, a valley, used in place of names or as poetic terms. The Vale of Glamorgan. Theek hai? In place of names. Toh dekho, ye hum jab poetry wagaira mein, prose mein name ki baat karte hain, names ki jagah use aane wala hota hai. उसे व्हेल बोलते हैं. और व्हील आप जानते हो, आपने, मैं सीधे समझा देता हूँ, जैसे कि गांव में औरतें पर्दा करती हैं, अभी भी करती हैं, पहले भी करती थी, और जब चर्च में शादी होती है तो वो वाइट कपड़ा सर उनके चेहरे पर यहाँ तक होता है, उसे व्हील बोलते हैं. आप वो बोल सकते हैं बुरका, बुरका कवर्ड होता है. गाँव में औरतें घूंघट करती हैं एंड चर्च में लोग ऐसे कवर करते हैं फेस, उसे व्हील बोलते हैं. V-I-L. ओके. Everybody has got my WhatsApp number, but in my Telegram. You can ask student there. यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है, in Telegram. You will get the PDF. A piece of fine material worn by woman to protect or conceal the face. Or W-A-I-L. A prolonged high-pitched cry of pain, grief, anger. ठीक है, जैसे कई बार होगा कि जैसे कि कुछ डॉग होते हैं, डॉग गली मोहल्ले में वो चीख चिल्लाते हैं लंबा सा, बहुत ज्यादा जब रोते हैं या फिर, तो उसे वेल बोलते हैं. लॉन्ग साउंड, डिप्रेसिंग साउंड. ओके, श्योर इधर वीडियोस भी आएगा, डोंट वरी. अच्छा सुनो, वोकेशन, और ये बहुत पॉपुलर वर्ड है, वोकेशन, वेकेशन. वेकेशन तो गोवा है, इसका मीनिंग तो सिंपल है. कुछ लोगों का थाईलैंड है, कुछ लोगों गोवा है, कुछ लोगों का अपना नैनीताल है. ठीक है, डिपेंड करता है, गोवा, थाईलैंड एंड नैनीताल और शिमला. तो वेकेशन तो ये हो गया, अब इधर आ जाओ वोकेशन. A strong feeling of suitability of particular career or occupation. देखो, vocational courses भी होते हैं, समझ गए, जो हमें job दिलवाते हैं. ठीक है, not all of us have a vocation to be nurse or doctor. एक that different feeling जो job करने वाली होती है. Not all of us have a vocation to be nurse or doctor. We don't have that strong feeling. Not we are all suitable. Okay, to be a nurse or doctor, because you have to be,
you have to have those qualities, okay, commitment, honesty, and then, okay, kindness. And, you know, क्योंकि नर्स डॉक्टर एक अलग ही तरीके से, अभी नर्स डॉक्टर कैसा काम कर आपको पता ही है. तो वोकेशन इज अबाउट बिजनेस, इज अबाउट जॉब, ऐसे समझ लो. वोकेशन कैसे याद रखेंगे, जॉब, ठीक है. और वेकेशन गोवा. नेक्स्ट, वायलेंस वायोलेशन. वायलेंस तो पता ही हो जाते, बिहेवियर डिमांड और फिजिकल फोर्स. और वायोलेशन क्या होता है, रूल्स ब्रेक कर देना, एक्शन ऑफ वायोलेटिंग समवन और समथिंग व्हेन वी वायोलेट द रूल्स. नेक्स्ट देखो, देखो मलाना राहुल कुमार आ रहे, आई कैन सी मलाना क्रीम, आई अंडरस्टैंड. चलो WITHER विदर और WHITHER. चलो देखो, तो विदर फॉल इन टू डिके और डिक्लाइन. जैसे कि जब मार्च का मंथ आता है, ओके, स्प्रिंग आता है, बसंत ऋतु आती है, तो पेड़ों से पेड़ होते हैं ना, पेड़ पत्तियां सूख के विदर्ड हो जाती, टूट जाती हैं, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, विदर्ड इन टू पीसेस. दिल टूट गया भाई, हजार टुकड़े हो गए दिल के, ठीक है, पत्तियां टूट जाती हैं, विदर्ड बोलते हैं. टू फॉल इन टू डिके और डिक्लाइन, टूट जाना. इट इज नॉट ट्रू दैट ओल्ड मिथ्स आर डाई और विदर्ड अवे. ये बात सच नहीं है कि जो पुराने जो मिथ्स होते हैं वो या तो मर जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं. इट्स नॉट ट्रू, मिथ अभी तक जिंदा है. योर बेस्ट फ्रेंड कौन है इन गाइडेड टीम? ओके, चलो सारे ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है. अमित पांडे सर के साथ में ये मैं फ्लैट शेयर कर रहा हूँ राइट नाउ, आई एम क्वारंटाइन विद अमित पांडे सर, तो वही बेस्ट फ्रेंड हो गए. वैसे सारे ही इक्वली बेस्ट फ्रेंड है. विदर WHITHER विदर, टू वॉट प्लेस और स्टेट, ठीक है. विदर आर वी बाउंड, मतलब प्लेस के लिए हम कहाँ जा रहे हैं. गो, जब किसी प्लेस को हम जा रहे होते हैं तो वो जो डेस्टिनेशन होता है, ठीक है, उसे विदर बोलते हैं. नेक्स्ट, वेव और वेव. वेव मूव टू और फ्रो विद स्वइंग मोशन, ठीक है, वेव्स आती हैं. All right, waver, ठीक है, refrain from insisting on or using a right to claim. He will waive all rights, ठीक है. आपको पता है किसानों को waiver मिलता है, जैसे कि अभी 3 month का waiver मिला हुआ है, EMI से अगर आपको pay नहीं करना पड़ेगा, शायद ऐसा कुछ आया, पढ़ लेना, ठीक है. तो waiver, he will waive all rights to the money, ठीक है, पैसे पे जो rights होता है उसे वो छूट दे देगा. Next, jealous or envious. फीलिंग और शोइंग एन इनवियस रिजेंटमेंट ऑफ समवन और देयर अचीवमेंट पोजेशंस परसीव्ड एडवांटेज. शी वाज ऑलवेज जेलस ऑफ मी, ठीक है. और इनवियस फीलिंग और शोइंग इनवी, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें. ऑलराइट, हाँ, फ्री वेवर होता है. आई एम इनवियस ऑफ देयर हैप्पीनेस, ठीक है, मैं उनकी हैप्पीनेस से इनवियस हूँ. अब देखो जेलस, अब इसमें एक डिफरेंस समझो, मैं अभी बताता हूँ, रुको, दिख नहीं रहा ये. हाँ, जेलस प्योरली नेगेटिव वर्ड है. इनवियस में आप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लैश नेगेटिव वर्ड भी हो सकता है. कैसे? आई इनवी हिम, जैसे विराट कोहली है, मैं अभी फिटनेस के लिए हर्बल लाइफ यूज कर रहा हूँ या पता नहीं क्या क्या यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वेट लूज करना चाहता हूँ, एंड देयर इज दिस गाय विराट कोहली, आई इनवी हिम. ओके, तो मतलब, बट दैट डजंट मीन कि नेसेसरी नेगेटिव है. आई जस्ट यू नो फील आई वांट टू बी लाइक हिम. इनवियस का ये भी मीनिंग हो सकता है, आई वांट टू कॉपी दैट पर्सन, फॉलो दैट पर्सन इन अ पॉजिटिव मैनर एज वेल. और जेलस इज कंप्लीटली जेलस, जेलसी, जब आपके अंदर वो नेगेटिव फीलिंग आती है रिजेंटमेंट की, ठीक है, वो जेलसी होती है. और इनवियस डज नॉट नेसेसरली टू बी नेगेटिव. व्हेन यू आर इनवियस ऑफ समबडी, यू वांट टू बी लाइक दैट पर्सन. और जेलस है, इसके पास कार है, मेरे पास नहीं है, इसका है ना सत्यानाश हो जाए, वो जेलस है. इनवियस, आई एम इनवी ऑफ यू, मीन्स आई वॉन्ट टू बी लाइक यू. क्लियर? फैटल, फैटल मतलब वेरी डेंजरस, बिल्कुल डेथ होने जाने वाला, फैटल एक्सीडेंट. और फेटफुल, लकीली, हाथों की रेखाएं. चलो गाइज, रेडी? हाँ, रेडी फॉर द क्विज, हैविंग फार रीचिंग ओपन डिजास्टर कॉन्सिक्वेंस एप्लीकेशंस, ठीक है, अ फिटफुल ओवरसाइट.
तो जब लक की बात आ जाती है, चाहे वो डेंजरस हो, डिजास्ट्रस हो या फिर अच्छा हो। नेक्स्ट, हाँ देखो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ड्यूल। जब दो लोगों में फाइट होती है, टू, ठीक है ना, फाइट, दो लोगों में जब फाइट होती है तो क्या बोलते हैं, ड्यूल बोलते हैं। और DUL, ड्यूल मतलब टू पार्ट्स ओनली, टू पार्ट्स। इलेक्ट्रॉन की ड्यूल नेचर होती है, इलेक्ट्रॉन की ड्यूल नेचर पढ़ा है, कितने लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स में बताओ एक बार। यस यस चंद्रिका, आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस सेंटेंस, ओके आई विल टीच अगेन, प्लीज सर्च ऑन यूट्यूब इन्फ्रेंस क्वेश्चन नरेन सर, इन्फ्रेंस INFERENCE, इन्फ्रेंस क्वेश्चन नरेन सर, प्लीज सर्च। ओके भगवान, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, ठीक है, द न्यू सब्सक्राइबर्स प्लीज वॉच माई प्रीवियस वीडियोज इन पर्टिकुलर ऑर्डर, दैट्स इट, दैट्स इट। आ जाओ, तो ड्यूल नेचर आप लोग जानते होंगे। सर रीड माई कमेंट, यस यस यस, ओके सपोज इफ आई मिस योर कमेंट, ऑलवेज ऑलवेज लीव अ कमेंट ऑन द वीडियो आफ्टर हाफ एन आवर, ओके, सो दैट आई विल रीड योर कमेंट इफ आई मिस, प्लीज। अच्छा वन लास्ट, वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी पॉपुलर, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, कैनवस और कैनवासिंग। सुनो, नेताजी पॉलिटिशियन, यू सपोर्ट दोज गाइज, मोदी जी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, यू आर कैनवासिंग, यू आर सपोर्टिंग दैट पर्सन, ओके फॉर इलेक्शंस। तो कैनवासिंग हमारा, ठीक है, ये हो गया, तो दिस इज कैनवासिंग, जिंदाबाद, दैट इज कैनवासिंग, CNVASS। और कैनवस कपड़ा होता है ना, कपड़ा, कैनवस शूज, आई एम श्योर यू हैव द कैनवस शूज, सबने पहने हुए हैं, नो 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 नो, ही इज अ ग्रेट गाय, अमित सर ही इज अ ग्रेट गाय, आप उनसे खुद पूछ लेना। ऑलराइट, ठीक है, कैनवस क्लोथ, कैनवस, ठीक है ना, बोट्स, क्लियर, तो CNVASS कैनवस। अ पेंटर यूज, एक पेंटर क्या यूज करेगा बताओ, गाइज आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, हे आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, एक जो पेंटर होता है आर्टिस्ट, वो क्या यूज करेगा, ठीक है, विच वर्ड इज सुटेबल फॉर एन आर्टिस्ट, कैन वी हैव अ आंसर प्लीज, ठीक है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, राइट टू और वन, एक पेंटर है आर्टिस्ट, PAINTER, पेंटर, पेंटर वन यूज करेगा या टू बताओ, कैनवस एस और CNVASS कैनवस, जल्दी बताओ, जो पेंटर है ये क्लोथ यूज करेगा, कैनवस पे जो वो पेंटिंग बनाते हैं। चलो रेडी, लेट्स गो फॉर इट, 30 मिनट में सारे क्वेश्चन करते हैं, आई होप यू आर रेडी नाउ। क्या क्या कमेंट्स आ रहा है, हाँ ओके, आई थिंक सबने सही कर दिया, ऑल 50 सही करना, प्लीज पोस्ट योर स्कोर, एक बार जब आपका स्कोर आ जाए तो ऑनलाइन, अभी लाइव है तो लाइव लिखना, नहीं तो आप लोग क्या लिखना, ऑफलाइन वाले भी लिखना कि सर आई गॉट 50 आउट, 50 करेक्ट, आई गॉट 40 करेक्ट, ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट, METL मेटल, देखो हाँ ये वाला बताओ, फर्स्ट का आंसर बताओ, फर्स्ट देखो, हाँ फर्स्ट का आंसर बताओ, ठीक है, इवन दो ऑल मेंबर्स ऑफ द नेवी हैव हाई लेवल्स ऑफ फोर्टिट्यूड एंड करेज, फोर्टिट्यूड बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है ना, द स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करेज, ठीक है, कैंडिडेट्स फॉर नेवी सील ट्रेनिंग मस्ट एक्सर्ट मोर मेटल, ठीक है ना, एबिलिटी, मेटल आप जानते ही हो, एबिलिटी अभी बताया था मैंने, ABLITY। नेक्स्ट देखो, नेग्लिजेंट और नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब ऑलमोस्ट जीरो, और नेग्लिजेंट मतलब नॉट केयरफुल,
तो क्या आंसर होगा? रणधीर फेल्ड टू कीप एन आई ऑन हिज यंग डॉटर एंड द जूरी फाउंड हिम नेग्लिजेंट, केयरफुल नहीं था तो टू, ठीक है आप आंसर ए लिखा करो, टू ए टू बी ऐसे लिखा करो आंसर, ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट, मोमेंट्री मोमेंटस, मोमेंटस मतलब इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, मोमेंट्री मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड. बताओ क्या आंसर होने वाला है. तो व्हेन क्लाइंबर्स रीच्ड द पीक ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड दे फेल्ट इट वाज अ, ठीक है, मोमेंटस ओकेजन, मोमेंट्री, ठीक है, तो मोमेंटस इंपॉर्टेंट, ठीक है, विच विल लास्ट फॉर 1000 years, 100 years, ठीक है ना. ऑलराइट गाइस, बॉयस बॉयस आ रहा है, आवाज आ रहा है, ठीक है, 3A. चलो नेक्स्ट, नाउ 3A था. जब आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाओगे तो वो पता है क्या होगा, मोमेंटस होगा, वेरी इंपॉर्टेंट. चलो, मिलिटेट और मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है LESSEN, लेसन, किसी चीज को कम कर देना, और मिलिटेट मतलब अगेंस्ट करना, आपकी आपकी पॉसिबिलिटी कम कर देना, कोई काम होगा या नहीं होगा. ड्यूरिंग द मीटिंग द प्रिंसिपल्स एटीट्यूड विल, ओके, मिटिगेट या मिलिटेट वेदर और नॉट टीचर फील लाइक गिविंग देयर ऑनेस्ट ओपिनियंस. चलो, मिटिगेट होता कम कर देना, और मिलिटेट मतलब अगेंस्ट वर्क करना, एटीट्यूड, एटीट्यूड. निशा कुमारी, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम और आस्क फॉर द लिंक इन द टेलीग्राम, इंग्लिश बाय नरेंद्र सर, ठीक है. तो एटीट्यूड की बात आई ना, एटीट्यूड तो हमारा मिलिटेट होगा, अगेंस्ट काम करेगा. नेक्स्ट, 4B था, ओके, सब लोग स्कोर बताना. एंड नोटेबल मतलब समथिंग इंपॉर्टेंट, नोटिस कर सकते, नोटोरियस नेगेटिव है, ठीक है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव वर्ड. Because Jack loves to party, he is only visiting universities that have a, okay, throwing wild parties. तो history कैसी होगी? Notorious होगी. 5A. Ready? ठीक है. Throwing wild parties. 5A. 5B नहीं हो सकता भाई. जैक लव्स टू पार्टी, जैक को पार्टी करना पसंद है. ही इज ओनली विजिटिंग, वो ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है जहाँ पे चरस, गांजा, हेरोइन, इसका होता हो, तो वो नोटोरियस होगा ना बाबा. यूनिवर्सिटी में तुम कभी ये सोचते हो कि मुझे एक ऐसा IIT कॉलेज चाहिए जहाँ पे फुल ऑन पार्टी होती हो, जहाँ लिक्वर हो, बीड, गांजा, चरस हो, ये सब हो, तो नोटोरियस होगा ना बाबा. टोन पकड़ा करो यार, गलत कर रहे हो यार, आप टोन नहीं पकड़ सकते हो, फिर फायदा क्या पढ़ाने का, कॉन्टेक्स्ट देखा करो. 5A था, ठीक है. हाँ, ऑफिशियस नेगेटिव वर्ड है, ऑफिशियल पॉजिटिव वर्ड है. ऑफिशियस ऐसा बंदा होता है, मैंने विशाल का एग्जांपल दिया था, विशाल इज अ लिटिल ऑफिशियस मैन, ठीक है, वेरी मतलब एरोगेंट और बहुत अपनी बात सबको देता है, अपनी ओपिनियन सबको देता है, ऑफिशियस. हाँ, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे. While the sales clerk may have believed he was giving me some helpful advice, ठीक है, he was just wasting my time. तो मतलब वो officious बंदा था, time waste कर रहा था. 6A. Ordinance होता है law, ठीक है, और ये ordinance क्या होता है, गोला बारूद. तो चलो बात करो, क्या बात हो रही है. When our city council passed and, तो उन्होंने पास किया, जब काउंसिल क्या पास करता है, ऑर्डिनेंस. 7B, ठीक है, आंसर क्या है, 7B.
Next. ठीक है, पेन वर्सेस पेन, तो ये क्या विंडो पेन होती है, विंडो होता है ना, चल क्या ले जाए, विंडो पेन, मैंने कहा था ना कि कांच की, ठीक है, ग्लास का एक सिंगल पीस होता है विंडो पेन होता है, वो पेन होता है हेडेक, पता क्या हो रहा है, व्हेन द बास्केटबॉल क्रैश्ड थ्रू द पेन, सॉरी बेसबॉल क्रैश हुआ है तो पेन होगा, चलो एट का ए होगा, बॉल आई और विंडो में लग गई, पैलेट और पैलेट, देखो ये हमारा था टेस्ट में डिफरेंशिएट करना, टेस्ट में क्या है डिफरेंशिएट करना, टी आई डब्ल्यू पैरियल से डिफरेंशिएट करना, और ये पैलेट जो गर्ल्स ने बताया था कलर्स वाला, ठीक है, इनके पैलेट्स होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का एक बॉक्स होता है, यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, पेंटिंग करो, व्हाटएवर, तो बताओ आर वी टॉकिंग अबाउट द टेस्ट पैलेट द डिफरेंशिएट बिटवीन, या फिर पैलेट की बात, कलर की बात कर रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट. अपना स्कोर चेक करना, पेन पेपर पर लिखते जाओ, व्हेन द वुमन टर्न्ड टू फेस हर पिक्चर सी एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड हर क्रिएटिंग अ मेस ऑफ स्पिल्ड पेंट, तो ये पैलेट की बात होगी, है ना, 9B, यस यस, मयंक भाई, हाय मयंक, चलो पेडल, चलो 10 नंबर देखो, माय ट्रेनर रिक्वायर्ड मी टू ओके फास्ट फॉर 10 मिनट्स, तो ये पैडलिंग करने की बात हो रही है, समझ में आया गाइस, एक बार शेयर कर दो अगर कर सकते हो तो, वन मोर टाइम, ठीक है, ट्रेनर तो पैडलिंग करने के लिए बोलेगा ना, ब्यूटी पार्लर की सामग्री, हाँ भाई हिंदी में सर्च किए हो, और ये दूसरा वाला, ये पैडलिंग करने के लिए बोला ट्रेनर ने, और पैडल क्या होता है कि एक हॉकर होता है, हॉकर वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाता है और सामान बेचता, याद है ना, एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचता छोटा छोटा, उसे पैडलिंग बोलते हैं, चलो तो 10 का ए हो गया, नेक्स्ट, सब लोग सही कर रहे हैं, वंडरफुल, कीप इट अप, ओके, परपिट्रेट का मतलब होता है क्राइम, ठीक है, कमिट करना, ठीक है, और परपिचुएट मतलब लॉन्ग पीरियड स्टे, लॉन्ग पीरियड, लंबे टाइम तक चलना, परपिचुएट एन इवेंट दैट कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, परपिचुएट होता है, अब बताओ आर वी टॉकिंग अबाउट क्राइम, क्राइम मास्टर गोगो, हाँ चोरी वाला विक्रम, यस, तो बताओ सब लोग क्या होगा, द राइजिंग नंबर ऑफ माइनॉरिटी इनमेट्स इन प्रिजन ओनली गोज टू, ओके, कोई 11 का ये लिख रहा है, पी लिख रहा है, गलत बात हो गई, द राइजिंग नंबर ऑफ माइनॉरिटी इनमेट्स, इनमेट्स जानते हो जेल वाले लोग होते हैं, जेल इनमेट्स जो जेल में रहते हैं उन्हें इनमेट्स बोलते हैं, इन प्रिजन ओनली गोज टू, ठीक है, परपिचुएट नहीं होगा, परपिट्रेट द स्टीरियोटाइप दैट मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स आर द बैड पीपल, ऑलराइट, तो क्राइम के लिए तो यही आएगा, बी, 11 का बी आंसर है, चलो नेक्स्ट देखो, पर्सनल, तो पर्सनल स्पेस होता है पर्सनल, ओके, बिलोंगिंग्स, पर्सनल होता है स्टाफ, तो आर वी टॉकिंग अबाउट स्टाफ, प्लीज चेक करो, ठीक है, जल्दी बताओ, बहुत जल्दी जल्दी आंसर दिया करो, स्पीड सही है भाई लोग, थोड़ा बता देना, अ मेमो विल बी सेंड टू ऑल आस्किंग देम टू स्टिक टू द ड्रेस कोड, ठीक है, पर्सनल एक मेमो आएगा, मेमोरेंडम, एक नोटिस आएगा, 12 बी था, 13 प्रेस्क्राइब का मतलब होता है अलाउ करना, ठीक है, जब डॉक्टर आपको लिख के देता है, डॉक्टर की लैंग्वेज में बताओ, ठीक है, कैसे लिखते हैं डॉक्टर, पैरास, बताओ ये डॉक्टर लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, पैरासीटामोल लिखा हुआ है तो ये प्रेस्क्राइब हो गया, और प्रोस्क्राइब का होता है क्रॉस, नहीं अलाउड है, ये काम नहीं कर सकते तुम,
proscribed. So because the always gets nervous, because ये शायद कुछ गड़बड़ है ही होना चाहिए शायद, because you always get nervous in the car, the vet decided, ये misprint है but ignore करो, the vet decided to prescribe some anxiety medicine, तो doctor ने ये किया है, A, 13A, चलो 14 देखो, proceed का मतलब पहले आने वाला, सुनो अभी कौन थे, अभी मिस्टर मोदी हैं यहाँ पे, मिस्टर मोदी हैं, 2020 चल रहा है ये, ठीक है, और ये है 2000, ठीक है, 2002, तो यहाँ पे कौन थे, मिस्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, तो ये क्या है, प्रोसीड करना, प्री पहले वाला, प्रीसीडिंग पहले वाला, इस एक्टिविटी से पहले वाला, हाँ, प्रोसीड मतलब होता है आगे बढ़ना, एनीवे तो बताओ, ड्यूरिंग द इवेंट द गर्ल्स सॉकर गेम विल द बॉय सॉकर गेम, मतलब गर्ल्स का गेम पहले होगा, बॉयज का बाद में होगा, समझ गए ना, तो प्रीसीड होगा 14 का बी, जिसो अभी विनीत ने बोला है, विनीत कुशवाहा ने बोला है 14 का, नरेंद्र शर्मा जी देखो सर आपने सही बोला है 14 बी, और विनीत ने लगा हुआ है, तो ये डिसोम था उनके लिए जिन्होंने ए किया है, ठीक है, गर्ल्स का गेम पहले होगा और बॉयज का बाद में होगा, प्रीसीड मतलब पहले होने वाला, विनीत आपका सपोज सिस्टर है एक, तो सिस्टर का शादी पहले होगा, ठीक है ना, your sister's marriage ceremony will precede yours, तुम्हारी बाद में होगी, sorry, चलो next, popular populace, populace जानते हो क्या होता है, population से मतलब है, और popular तो जानते हो यार, शाहरुख खान very popular actor, alright, तो बताओ क्या होगा, hustling and bustling in the area made business venture profitable, पॉपुलर एरिया है पॉपुलस एरिया, और हसल जब करते हैं जब बहुत भीड़ होती है, तो कोई इससे टकरा रहा है, कोई इससे टकरा रहा है, पैं पूं पी हो रहा होता है ना, रिक्शा एंड ऑल, हसलिंग बोले, चलो जल्दी बताओ, 50 नंबर बताओ, ठीक है, हसल और बसलिंग से पता चल गया पॉपुलस की बात हो रही है, तो 15 का बी आंसर है भाई, दैट इज द हिंट, wonderful, next, respectable or respectful, you are a very respectable man, okay, you have done a respectable job, all of the guests stood in a respectful way, okay, a respectable way, batao, all of the guests stood in a रिस्पेक्टेबल वे, एक ऐसा वे जिसको हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं, तो रिस्पेक्टफुल कौन है, पर्सन, ठीक है, और रिस्पेक्टेबल क्या हो सकता है, कोई मैनर, ठीक है ना, एक्टिविटी, ऑलराइट, तो 16 का बी आंसर है, 16 का बी आंसर है भाई लोग, 16 का ए कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन सैनिटाइज करते रहो, अरे वाह ये अच्छा काम किया है, चलो कहाँ से सीख के आए हो, दिन भर कहीं ना कहीं से सीख के आए होगे कमेंट्स, चलो 16 का भी होगा, रिसोर्स और रिकोर्स, ठीक है, ओनली हेल्प, ठीक है, ये हेल्प को आता है, और रिसोर्सेज तो होते हैं हमारे यहाँ पे, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना हमारी जमीन में, ठीक है, अर्थ में बहुत सारे, इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो कोयला होता है कोल, ठीक है, तो वो भी नेचुरल रिसोर्स में आता है, देयर वर मेनी ग्रीडी अटॉर्नी विलिंग टू प्रोवाइड मी विद, ओके, रिकोर्स और रिसोर्स आफ्टर द इंटॉक्सिकेटेड सर्जन वॉच्ड माय प्रोसीजर, बताओ ये थोड़ा आपके लिए ट्रिकी है,
ठीक है, दे वर मैनी ग्रेडी अटर्नीज लॉयर, वो क्या है हेल्प करने के लिए रेडी थे। 17A ठीक है ना भाई लोग, 17A हाँ कई लोगों ने सही किया, वंडरफुल। नेक्स्ट रिफ्यूट, देखो रिपुडिएट का मतलब होता है रिफ्यूज कर देना, और इस रिफ्यूट का मतलब होता है ठीक है डिनाई कर देना लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग, समझ रहे ना, एंड लॉजिक के हिसाब से। और ये रिफ्यूट क्या होता है, पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, पर्सनल ओपिनियन, डिफरेंस समझो, दोनों का ही मतलब है मना कर देना। रिपुडिएट और रिफ्यूज हमारी ओपिनियन हो सकती है, डिनाई में लॉजिक है, कानून है। ऑलराइट, अब ओके गाइस, चलो 18 बताओ। Although the scientist conducted the experiment 6 times, 6 बार experiment किया था, he was not able to obtain results what would, ठीक है ना, अब theory को refute करेगा, science, S-C-I-E-N-C-E, science, law, logic, logic, देखिए logic नहीं लगाए हैं बर्मा जी, logic आपका सही नहीं है। Next, तो by the way, 18 का भी answer था। नेक्स्ट थ्योरी के लिए विक्रम, एक बात बताओ, तब से 36 ही वॉच कर रहे हैं क्या, कांटा अटक गया है, इसको थोड़ा बढ़ाओ। गाइस प्लीज लाइक द सेशन, कितने लोगों ने लाइक किया हुआ अभी तक, चलो 103 लाइक्स हैं, आ जाओ। रिग्रेटेबल और रिग्रेटफुल, ठीक है, पर्सन रिग्रेटफुल होगा, चलो रिग्रेटेबल, तो बताओ क्या होगा, द स्टूडेंट सीम्ड रिग्रेटफुल, सिंपल, ठीक है 19A आंसर, स्टूडेंट हुआ तो सीधा लगाऊंगा ना, रेज देखो लॉजिक, हाँ यस रेज और रेज, बाबा ये है एंगर, चलो आज मैं हिंदी में लिख देता हूँ व्हाट्सएप लैंग्वेज में, गुस्सा एंगर, अगर मैं आपको बताऊं हल्क, कितने लोग हल्क को जानते हैं और कितने लोग हल्क को हल्के में लेते हैं, हल्क वो ग्रीन हो जाता था वो पर्सन जब उसे गुस्सा आता था, और उसे ग्रीन होने के लिए गुस्सा होना जरूरी था, याद है ना, एवेंजर्स वगैरह सब सीरीज आपने देखी होगी हल्क वाली, हाँ। और रेज मतलब बिल्डिंग तोड़ फोड़ कर देना, बोलो बोलो बोलो। तो व्हेन द मिलेनियल लर्न्ड ऑफ द सिटीज प्लान टू रेज द नेबरहुड, रेज मतलब तोड़फोड़ कर देना, तोड़फोड़ कर देना, ठीक है बुलडोजर, 20 गई, ठीक है। ड्राइव हम करते हैं 4 चार पहियों वाले व्हीकल को, मोटर को, ठीक है ना, और राइड करते हैं हम, ठीक है बाइक को या फिर एनिमल को, चलो चलो आगे देखते हैं, बताओ भाई क्या होने वाला है, व्हाट आर वी डूइंग, अब मैं फरारी की सवारी कर रहा हूं या घोड़े की सवारी कर रहा हूं, बताइए व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, एवरी संडे मॉर्निंग द मेंबर ऑफ द एल्डरली वुमेन्स हार्ली सोसाइटी, ठीक है 21 का है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, सिंपल है वैसे तो, एवरी संडे मॉर्निंग द मेंबर ऑफ द एल्डरली वुमेन्स हार्ले, देख लो हार्ले डेविडसन और बूढ़े बूढ़े औरतों के पास में, आपकी दादी जी हार्ले चलाती धक 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 जा रही है, सोचो इमेजिन करो, ठीक है ठीक है, राइड देयर मोटरबाइक थ्रो, तो इसी पक्का राइड जाइए, ड्राइव में जाना चाहिए, द स्ट्रीट एक्सेप्ट फॉर दोज हु आर कन्फाइंड टू देयर वॉकर्स। नेक्स्ट राउट और राउट, ठीक है मैंने आपको बताया था जब ई एन ई एम आई एनिमी और रिट्रीट हो जाए, वापस चला जाए, ठीक है क्या होकर के, डिफीट होकर के, तो ये बताया था, और राउट मतलब रास्ता,
way in with a smaller squad, we were able to bring about the rout of our competitor and earn the victory. Jab jeet gaye Kargil war, to kya hoga rout? Ye wala A answer hoga. Yes. Next, septic. Septic जानते हो, बूंद हो जाता है बॉडी में, घाव हो जाता है. मेरे को यहाँ पर सेप्टिक हो गया है, स्किन खराब हो गई है सपोज. और ये सेप्टिक बंदा पता है कौन है? डाउटफुल. तो विल यू कीप इन माइंड, मजा आ रहा है कि नहीं भाई लोग, बता दो आज तालियां नहीं बजी कमेंट सेक्शन में, अपने लिए तालियां बजा दो. चलो 23 का आंसर बताओ. देख, अनफॉर्चुनेटली द सर्जन हैड टू एम्पुटेट my septic hand. कैसा? Wounded. WNDED. Wounded. Next बढ़ते हैं. 24 देखो. Look versus watch. Look at him. देखा? Okay. Watch closely. जब तुम intensely घूरते हो किसी को तो watch होता है. चलो ठीक है, फोकस्ड होकर के डिसिप्लिन वे में जब देखते हैं तो. नो 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 विराज, विराज लोखंडे, नो यू गॉट इट रॉन्ग ब्रदर. ओके चलो, तो बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, लुक हो रहा है कि वॉच हो रहा है? यूजिंग बाइनोकुलर्स टू जूम इन ऑन द लीगल्स द कपल्स लाइक्स टू वॉच व्हाट हाई अप इन द नेस्ट. अब ये वॉच का मतलब होता है बहुत लंबी पीरियड टाइम तक डिसिप्लिन वे में देखना. She looked at me. तो वो घूर के नहीं देख रही, थोड़ा सा देखा, चेकआउट किया, निकल गया. या ही, समझ गया, वॉच लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो वॉच इज करेक्ट. नेक्स्ट ग्लेयर. पल्लवी, देखो पल्लवी का एग्जाम्पल देखो सब लोग, गुड एग्जाम्पल. ग्लेयर, एंग्री. मैं आपके सामने है, होमवर्क क्यों नहीं किया? तो ये ग्लेयर, एंग्री. और ग्लिम्स, आपने किसी को देखा, स्माइल कर दिया, किसी की झलक आपको थोड़ी सी दिख गई. सो लेट्स गो फॉर, आर वी टॉक अबाउट एंग्री और सम ब्यूटीफुल झलक. फॉर $15 माई मिस्टीरियस लेडी विल चेक हर क्रिस्टल बॉल फॉर अ, ओके, फॉर $15, 15 मिनट के लिए द मिस्टीरियस लेडी विल चेक हर क्रिस्टल बॉल. अरे वो होता है ना फिल्मों में दिखाते हैं, आवरा कटावरा क्रिस्टल बॉल होती है. तुम्हारी 2 महीने में जॉब लगने वाली है क्योंकि तुम नरेंद्र सर के स्टूडेंट हो. वो एक व्हाइट बॉल होती है जिसमें डायरी चलती होती है, ऐसे कर रहे होते हैं. तो वो आपको बता रहे हैं आपकी नेक्स्ट 6 महीने में जॉब लग जाएगी क्योंकि आपने नरेंद्र सर की क्लास की हुई है इसीलिए. ठीक है, तो ग्लिम्स होगा या ग्लेयर होगा बताओ. 25 A होगा. नेक्स्ट देखो, सीवियर का मतलब होता है कट. ठीक है, ये जो हेड है यूं कट गया, किसी भी वजह से कट गया. लेकिन एम्पुटेट होता है, एम्पुटेट भी कट है, लेकिन ये सर्जरी वाला है, मतलब डॉक्टर है इसमें, सर्जरी. ठीक है, एम्पुटेट में डॉक्टर इन्वॉल्व है और इस सीवियर में चाहे किसी भी वजह से कट हो सकता है. कट दोनों है, एक एम्पुटेट डॉक्टर का कट है और सीवर अपना किसी भी वजह से कट हो सकता है. चलो तो बताओ क्या हो रहा है, मजा आ रहा है, स्पीड सही है, समझ में आ रहा है ना? तो क्या हुआ भाई, अ ब्लड रशिंग इन फ्रॉम विक्टिम्स वुंड वाज अ गुड इंडिकेशन दैट द असेलेंट हैड सक्सेसफुली अटेम्प्ट टू मैन आर्टिलरी. अब देखो ये असेलेंट है, ठीक है, जो अटैक करता है बंदा, वो ये डॉक्टर तो नहीं लग रहा है मुझे. जब डॉक्टर नहीं है तो सीवर किया उसने, डॉक्टर होता तो एम्पुटेट करता. प्लीज बता दो कि सर हम सीख गए हैं, एक थम्सअप कर दो, एक स्माइल बना दो, कुछ डांस कर दो, कुछ तालियां बजा दो. ये डिफ्रेंशिएट करने का एक नंबर है. अब आ गया तो एक नंबर है भाई, नहीं तो नॉलेज तो बढ़ रही है ना भाई. बोलो कौन लिखा ये? विराज तुम सब गलत कर रहे हो, तुम जानबूझ के. किसने भेजा है तुम्हें? पाकिस्तान ने भेजा है क्या आपको कि जाओ कमेंट सेक्शन में सब आंसर गलत करना? नाउ यू आर अ गुड पर्सन. ठीक है, आई थिंक आपने अभी ज्वाइन किया है. विराज व्हाट डू यू थिंक?
ठीक है, तुमने अभी ज्वाइन किया है। विशाल सिंह बिस्ट, एक्चुअली अमित सर क्या है, आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं अभी, इसीलिए मैं धीमे बोल रहा हूँ, ठीक है। आई मीन ऑलराइट, चलो। सो कोई किसी और वजह से कटे तो सीवर हुआ और डॉक्टर ने काटा तो एम्पुटेट हुआ, अब तो बता दो भाई। नेक्स्ट ये होता स्वीट, स्वीट मतलब होटल, होटल में कई सारे रूम का बड़ा सा लग्जरी स्वीट होता है, इन ऑल द फैसिलिटीज देयर, कॉन्फ्रेंस, ऑफिस रूम, ओके एवरीथिंग इज देयर। अरे ब्रज कोई बात नहीं, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं ऐसे मजाक करता रहता हूँ, ठीक है, सिर्फ तो आपको इनकरेज करने के लिए है। और सूट तो आप जानती हो, सूट वूट पहन के ही वेंट बैक टू होटल टू गेट ड्रेस्ड फॉर द पार्टी, होटल सूट गया। 27, यस पल्लवी, वंडरफुल। नेक्स्ट देखो स्टैच्यू, ये तो हमारा अभी आपने बताया था, ये देख मैंने पटेल साहब, सरदार पटेल, पटेल जी है ना, स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और ये एसटीटी हमारा क्या था, लॉ से रेगुलेट था, लॉ से, अब बताओ कौन सा होगा, क्या कमेंट आ रहा है। 28, बिकॉज द बैन स्मोकिंग, अब बैन लग रहा है तो पक्का लॉ होगा इसका, ये होगा क्लियर, ये डिफरेंस आप नहीं जानते थे पहले, ठीक है, आई नो स्ट्रेट, ये तो आप जानते थे, ये नैरो पैसेज होता है, NARROW, नैरो पैसेज, वाटर वाला भाई लोग, ठीक है, और ये स्ट्रेट, तो स्ट्रेट लाइन होती है, ओके, ही इज अ स्ट्रेट पर्सन। चलो द स्ट्रेट ऑफ डोवर इंग्लैंड लिंक्स नॉर्थ सी, तो ये वाला जाएगा सिंपल। नेक्स्ट स्टेशनरी मतलब नॉट मूविंग, फिक्स्ड, अच्छा स्टेशनरी मतलब पेंसिल वाली शॉप, इरेजर, अ चॉइस वाज इजीली मेड एट द ट्राई गुड्स स्टोर बिटवीन द डिटेल्ड एम्बॉस्ड स्टेशनरी ओवर द प्लेन व्हाइट नोट कार्ड्स, कार्ड की बात हो रही है तो बताओ क्या होगा, ड्राई गुड्स स्टोर, ड्राई गुड्स स्टोर पे हमने चॉइस बनाई बिटवीन डिटेल्ड एम्बॉस्ड, ठीक है ना, स्टेशनरी ओवर द प्लेन व्हाइट नोट कार्ड्स, अब हम कार्ड दे रहे हैं तो पक्का स्टेशनरी शॉप पे मिलता होगा, क्या लगता है भाई लोग, थैंक यू। अब देखो ये मैंने आपको पढ़ाया था, साइट मतलब होता है प्लेस, ठीक है, और साइट होता है टू से समथिंग, टू स्पीक, लेडीज एंड जेंटलमैन। और एक और मैं पढ़ाया था आपको यहाँ पे भाई लोग, क्या पढ़ाया था, SIGHT, साइट, ओए हाय हाय क्या ब्यूटीफुल नजारा है, वंडरफुल नजारा, साइट। तो व्हेन द पॉलिटिशियन एक्सेप्ट हिज पार्टीज प्रेसिडेंट नॉमिनेशन ही विल मोर देन लाइकली, ओके साइट अ फॉर्मर प्रेसिडेंट इन स्पीच, साइट मतलब बोलने वाला है, स्पीक करने वाला है, फॉर्मर प्रेसिडेंट, CITE, 31B होगा। ओके चलो, थैंक यू। शियर और शियर, देखो जो हमारी शीप होती है ना, शीप, और उसकी खाल उतारते हैं, शीप भेड़ जानते हो, तो उसे शियरिंग बोलते हैं। और शियर जॉय, कंप्लीट जॉय, ऑसम फीलिंग, वॉचिंग नरेंद्र सर क्लासेस इज अ शियर जॉय टू द सोल, टू द माइंड एंड बॉडी, समझ गए, समझ गया सब लोग। देखो कुछ लोग डांस कर रहे हैं कमेंट सेक्शन, वंडरफुल, लेकिन बहुत सारे यार दोस्तों को लेके आया करो, आप सिलेक्टेड लोग ही आते हो, अच्छी बात नहीं है।
तो बताओ क्या होने वाला है। आफ्टर द फार्मर वॉज एबल टू शियर द फ्लॉक 32A 33 देखो टोई टोई तो जानते हो फुट फुट के वो जो बड़ा वाला टो होता है ठीक है और टो मतलब कार टो हो गई हमारी कार को टो करके ले जाते हैं ना पुलिस वाले तो कार टो हो जाती है। सिंस द पिकअप ट्रक केम विद द हिच अटैच टू द बैक ऑफ इट द ओनर कुड टो तो वो ये उसको ले जा सकता था 33A 34 देखो 32 देखो टेम्पर होता है गुस्सा एंगर और टेम्परिंग मतलब छेड़छाड़ कर देना बॉल टेम्परिंग सुना होगा आपने बॉल टेम्परिंग कोई चीज आपने खराब कर दी डिस्ट्रॉय कर दी चेंज कर दिया ऑल्टरेशन कर दिया चेंज सीर ब्रिलियंस यस करेक्ट आंसर आई मीन करेक्ट यूसेज If you are allowed to mess with the computer, everything is fine. But if you are prohibited, you cannot tamper. तुम उसे खराब नहीं कर सकते. Shut up. 34A. Next. 34A होगा ना अभिषेक कुमार. हाँ अभिषेक. Sir, please take the parts of his being in detail in one by one topics. All right. ठीक है. ये तब possible है when I will be teaching a batch properly batch. Okay. Here, okay, those parts of speech is not possible because here questions and practice possible. Once I introduce my a batch, please, okay, join that batch so that ki we can have a discussion, proper discussion on YouTube. It's a totally different story. And when a batch, different platform, that's a different story. Okay, but I will keep trying for all of you guys. So temporary or temporal. टेम्पोरल समझते हो ना आप लोग वर्ल्डली डब्ल्यू ओ आर एल डी एल वाई वर्ल्डली जानते हो फिजिकल मतलब एवरीथिंग जो वर्ल्ड दिख रहा है एक होता है डिवाइन स्पिरिचुअल रिलीजियस एक होता है वर्ल्डली मतलब पिज्जा गोल्ड वुमेन मैन समझो कि नहीं ये जो फिजिकल प्लेजर्स होती हैं वो वर्ल्डली होता है 35 का आंसर क्या दे रहे हो आप लोग शिवम गोयल हाय शिवम गुड इवनिंग तो मार्क वॉज इन्फॉर्म्ड दैट हिज जॉब वॉज ठीक है ना तो इसकी जॉब तो कैसी थी बताओ टेम्परेरी होगी यार लेकिन टेम्पोरल मतलब वर्ल्डली दुनियादारी वाला दुनियादारी जो हिंदी वाले हैं वो समझ रहे होंगे दुनियादारी टिटिलेट ये जो लड़कियों का पफ वाली बात की थी किसी ने कमेंट किया था मैं समझ गया था ये जो गर्ल्स जब वो मेकअप करती हैं और जब वो पफ बनाती हैं बाल थोड़े ऊंचे हो जाते हैं उसे टिटी वेट बोलते हैं और जब आप किसी को प्यार से उसे छेड़ रहे हो तो टिटिलेट कर रहे हो बॉडी में अगर छेड़ रहे हो तो टिटिलेट अराउज्ड हो जाती है बॉडी एक्साइटेड हो जाती है तो टिटिलेट होता है दूसरा टिटिलेट क्या होता है किसी को भड़का देना न्यूज़पेपर वाले न्यूज हेडलाइंस टीवी वाले लोग जनता को टिटिलेट करते हैं भड़काते हैं और देखिए मोदी जी का ये भयानक चेहरा ये देखिए राहुल गांधी ने कैसा किया अत्याचार क्या हमारे नेता हैं हमारे नेता या हैं ये किसी पाकिस्तान के नेता ऐसे भड़काते ना लोग तो वो टिटिलेट करते हैं आपको अब से नो प्रॉब्लम तो बताओ क्या होगा प्रोडक्ट मार्केटर्स ट्राई टू ठीक है ना ओके okay. तो वो टिटिलेट करने कंज्यूमर अवेयरनेस को टिटिलेट करते हैं बाय क्रिएटिंग प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट प्रवोक करके भड़का के आप टिटिलेट करोगे 36B चलो टॉपिकल और ट्रॉपिकल टॉपिकल का मतलब है टॉपिक से रिलेटेड ना आज का सा टॉपिक क्या है कंफ्यूजिंग वर्ड्स कल का टॉपिक क्या होगा कंफ्यूजिंग वर्ड्स उसके बाद क्या होगा फ्रेजल वर्ब्स उसके बाद क्या होगा फ्रेजल वर्ब फिर क्या होगा इडियम्स में भी समझ गए ना दो दो घंटे की क्लास में चलो
नेशन वांट्स टू नो. यस यस, चैन से सोना है तो जाग जाइए. यस, ठीक है. अगर जॉब लेना चाहते हो तो जाग जाइए, उठ जाइए, मत सोइए. नरेंद्र सर की क्लास फॉलो कीजिए. अगर अपने घर में पैसा चाहते हैं, अगर अपने लिए एक खूबसूरत सी दुल्हन चाहते हैं, खूबसूरत सा दूल्हा चाहते हैं, तो चैन से बैठ जाइए, हेडफोन लगाइए, नरेंद्र सर की क्लास वॉच कीजिए. ऑलराइट. और ट्रॉपिकल तो जानते हैं, ज्योग्राफी वाला. अब बताओ क्या होगा. द लश ट्रॉपिकल. देखो ये लश होता है ग्रीनरी, ग्रीनरी जो ग्रीन. द लश लैंडस्केप, ट्रॉपिकल लैंडस्केप मतलब एक ऐसा नजारा एरिया, ठीक है, लैंड जहां पे ग्रीनरी 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 हर जगह वो रखी है. हाँ. ऑलराइट. तो 37 का ए होगा वेन और वीन. ठीक है, हमारी वीन्स में भारत माता की देशभक्ति का वो खून बह रहा है. समझो, वीन्स, वीन्स होती है ना, ये सुई लगती है, बहुत डर लगता है मुझे. आप में से कितने लोगों को डर लगता है, मेरे जैसा हाल कितने लोगों का है, वीन्स में जब वो लगता है, इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन वीन. चलो, as the fire engulfed the barn, the farmer and his family realized attempts to save their livestock were in vain. ठीक है, waste, कोई फायदा नहीं हुआ. और सुनो, ग्रामर का एक नंबर जानना चाहते हो, ग्रामर का एक नंबर हमेशा याद रखना, उसके एफर्ट्स बेकार गए. अब जैसे कि अपना भाई है मयंक, ये ज्यादा खुश हो रहा है, तो चलो इसका ही आज ट्रॉल करते हैं. ठीक है, मयंक को ट्रॉल करते हैं. मयंक ने सिक्स पैक बॉडी बनाई, ठीक है, और बेचारे को SBI पी ऑफिसर भी बन गया. उसकी और उसने अच्छा हेयर स्टाइल भी बनाया, अच्छे कपड़े भी पहन के घूमा, और उसका पर्पस लाइफ में था एक खूबसूरत सी उसको बहू मिल जाए, खूबसूरत सी उसको एक वाइफ मिल जाए. हिज एफर्ट्स वेंट इन वेन, इन वेन. बेचारे को कुछ नहीं मिला. आई एम सॉरी मयंक, माई सिंपथीज. ऑलराइट. चलो, ऑलराइट, ठीक है. इन वेन बर्बोज बर्बियाज. चलो इधर आ जाओ. तो बर्बोज, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रावर्ड्स. और वही एक्स्ट्रावर्ड्स अगर टेक्निकल हो जाए, TSEH टेक्निकल साइंस, ओके, बायोलॉजी, तो बर्बियास हो जाएगा. चलो 39 देखो भाई लोग. बर्बियास तो द टर्म्स ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट वर क्वाइट. अब देखो लीगल बात हो रही है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट वाला. ठीक है, टू द ओल्ड मैन हु वाज यूज्ड टू क्लोजिंग अ डील विद द हैंडशेक. ओके मल्होत्रा साहब, ओके सिंघानिया साहब, ठीक है, चलिए मिलते हैं, डील डन. एक होता है कि हाथ मिलाया और डील डन हो गई 500 करोड़ की. एक होता है कि लीगली मतलब 5000 पेज का कॉन्ट्रैक्ट आया, समझ रहे हो. तो बर्बोज होगा, बर्बियास होगा, जल्दी बताओ. मेरे हिसाब से तो बर्बियास होना चाहिए, क्योंकि बर्बोज टेक्निकल, लीगल तो टेक्निकल वर्ड हो गया ना, तो बर्बियास करो, 39 वी करो. मैं गंगा जाऊंगा, गाना गाऊंगा तेरे किधर, तेरा हीरो इधर है. चल भाई, ऑल द बेस्ट. चलो नेक्स्ट, वर्चुअस, ठीक है, पायस, गुड. ऑलराइट. द मिस्टर वाज नॉट द virtuous man, he pretended to be. उतना ज्यादा honest आदमी नहीं था वो. And was soon discharged from his position because of immoral behavior. जब immoral गलत बात आ जाए, wrong की बात आ जाए, तो फिर समझ गया ना, यही virtuous होगा. तो ये वाला भी, 40 का भी. Next, while or while. देखते हैं कौन बोलता है.
इसका बताओ, क्योंकि ये वाला आप पक्का भूल गए होगे। मैंने एक एग्जांपल दिया था डॉग वाला। किसी को इसका मीनिंग याद है? 41 वाला। देखो ये वाइल तो था अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट बिहेवियर। कई बार आप बस में या कहीं पर ट्रेन में जा रहे होते हो और गर्मी के टाइम पे स्पेशली, या मेट्रो में एक बंदा होता है उसके पास आप खड़े हो जाओ, क्या बदबू मारता है, अनप्लेजेंट वी आई एल ई। तो चाहे वो कोई स्मेल हो या कोई एक्टिविटी हो या कोई बिहेवियर या कोई सोच हो, अगर वो अनप्लेजेंट है ठीक है, तो वी आई एल ई बोलेंगे। वाइल का मतलब होता है बहुत ज्यादा सहनपंथी, कनिंग। कनिंग तो जानते हो, बहुत ज्यादा कनिंग फेलो, कनिंग स्ट्रेटजी, यस वाइल। तो आंसर बताओ इसको गाइस क्विकली, क्या क्या आंसर आ रहा है? ए या बी? कुछ लोग बी कर रहे हैं, देखते हैं। ऑल्दो द कॉप हैड बीन इन लॉ एनफोर्समेंट फॉर ओवर 30 इयर्स, 30 साल से वो लॉ एनफोर्समेंट में काम कर रहा था कॉप, पुलिसमैन, ही हैड नेवर सीन सच बिहेवियर। अब देखो बिहेवियर तो पक्का वायल होगा, तो 41 बी बिहेवियर, अनप्लेजेंट बिहेवियर एज दैट एग्जिबिट बाय द फ्रेश ईटिंग किलर। नेक्स्ट, ओम जी कैसे कैसे एग्जांपल हैं आज। ओके एंजॉय करो भाई एग्जांपल। चलो इधर आ जाओ। तो देखो ये व्हील तो मैंने पर्दा है, पर्दा गाना आगे आगे की लाइन पूरा करके दिखाओ, किसी को आता है गाना? ठीक है, व्हील होता है ओके, क्राई लाउडली, लाउडली क्राई करना, व्हील हमारा समझ लेते हो ठीक है ना, आप क्या समझ लो इसको, क्लोथ जो माउथ को ढकता है। अच्छा क्लोथ और क्लोथ में भी डिफरेंस अभी बताने वाला हूँ। चलो अब ये देखो, हाँ नेक्स्ट देखो नेक्स्ट। यार ये बदबूदार बिहेवियर की बात नहीं हो रही, अनप्लेजेंट बिहेवियर की बात हो रही है, अनप्लेजेंट बिहेवियर। ऑलराइट, तो ओके तो गाइज ये देखो वेल मैंने बोला था पोइट्री वाला, पोज वाला। जब हम किसी वैली होती है ना घाटी, उसको पोइट्री में नाम देते हैं वैली, तो ये वेल होता है, व्हील ये हमारा क्लोथ होता है और वेल होता है क्राई। ये तीनों याद कर लो। हाँ पल्लवी आप जानते हो ठीक है, अब बताओ इसका क्या आंसर होगा। ठीक है इन सबको मैं 4 PDF में, एक सिंगल PDF में कंबाइंड भी करवा दूंगा गाइस। ओके चलो, तो जेनी रश्ड इनटू द बेबीज रूम टू सी इफ ही वाज हर्ट व्हेन ही हर्ड हिज पेन फिल्ड वेल। अब उसने वो रोया ठीक है, रोया जानते हो क्राई, तो कौन सा वाला आंसर हुआ इसका, क्या आंसर दिया आप लोगों ने? वेल ठीक है, 42A। वोकेशन, वोकेशनल तो जानते हो आप लोग ठीक है ना, जॉब से रिलेटेड होता है, और वेकेशन आप जानते हो मैंने बोला था ना गोवा, वेकेशन छुट्टियां होती हैं। चलो 43 बताओ, व्हाइल कुकिंग वाज वंस व्यूड एज वुमेन्स वर्क, टुडे मेनी मेन हैव अ वोकेशन इन द फील्ड ऑफ, दे हैव स्पेशल इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ कलिनरी आर्ट्स। देखो संजीव कपूर है ना, एक और बताओ जो US में रहता है बंदा, क्या नाम है उसका, जो कि वर्ल्ड फेमस शेफ है, वो व्हाइट हाउस में भी खाना उसने बनाया है। संजीव कपूर तो इंडिया बेस्ड है ना, बताओ, मैं भी अच्छा खाना बनाता हूँ। ऑल राइट ठीक है,
चलो एनीवे तो वोकेशन तो समझ गए। हाँ, वायलेंस वायोलेशन, वायोलेशन होता है रूल्स, रूल को वायलेट करना, राइट। वायलेंस तो यार होती रहती है, हिंदू मुस्लिम वायलेंस होती रहती है, घर में वायलेंस होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है। ऑलराइट, नॉर्थ कोरियास अनक्लियर टेस्टिंग में भी, ठीक है। ओके, लास्ट फाइव मिनट ओके भैया। ऑलराइट, तो नॉर्थ कोरियाज न्यूक्लियर टेस्टिंग में भी वायोलेशन, याद है यूनाइटेड नेशंस होते हैं। अच्छा, एक जीए वाला सवाल पूछते हैं, एक कमेटी का नाम है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि ये जो न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है उसको प्रॉफिट बैन करता है, कोई नाम बताएगा उसका? ठीक है, चलो 44 का ये आंसर हो गया, विदर। विदर देखो, जब ये डिस्ट्रॉय हो जाता है कोई चीज, ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है, वेयर टू, कहाँ जाना है? पांडे सर बताइए, शिमला जाना है कि यूएस जाना है, कहाँ जाना है, या चाइना जाना है आपको? तो जब हम कहीं जाना होता है उसे बोलते हैं विदर, वेयर टू। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, हमारे पांडे सर पास में बैठे हुए, पूछ रहा हूँ कि ओ सर, सर वेयर टू, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? तो WHITHER, विदर। और पेड़ जब सूख जाते हैं तो पत्तियां गिरती हैं, उसे विदर बोलते हैं, WHITHER। अब आप बताओ आंसर क्या होगा? चलो सब डिनर पर, नरेंद्र सर के, मैं मेरे यहाँ पर डिनर पे आ सकती हूँ, लेकिन शर्त ये है कि आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, दैट्स इट। आप जॉब लोगे देन यू कैन हैव द प्रिविलेज, ओके। ऑलराइट, भगवान संवेदी, अच्छा आप सेशन में अभी ज्वाइन किए हो इसलिए आपको पता नहीं है, क्योंकि इस सेशन का प्लीज पार्ट वन जरूर देख लेना, प्लीज पार्ट वन जरूर देख लेना, ओके, ये इसी चैनल पर मिल जाएगा पार्ट वन। उसमें मैं शुरू में 50 मीनिंग डिस्कस करता हूँ एग्जांपल के साथ, फिर अभी मैं क्विज लेके आता हूँ, आप अभी आयो बीच में, इसलिए आपका फेस क्रिप सूरी से मैच करता है। ये क्रिप सूरी कौन है? कोई RDJ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया सबको आंसर। आई एक्सीडेंटली कॉज्ड माय नेबर्स प्लांट्स टू वेदर, तो उसके हमने पेड़ तोड़ दिए। वेयर टू याद रखोगे, वेयर टू कहां जा रहे हो, रास्ता, डेस्टिनेशन, WHITHER, बहुत अच्छा वर्ड है, वेव, ठीक है। कुछ लोग ऐसे वेव्स बनाते हैं डांस करते हुए, ठीक है, और समंदर में जो वेव्स, और हाँ ये होती हैं, और ये वेव का मतलब होता है कोई चीज हमने फ्री कर दी, छूट कर दे दी, हमने वेवर मिलता है। अभिषेक कुमार, हाँ तुम, यू आर ऑल वेलकम, तुम एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मेल फीमेल डज नॉट मैटर, यू आर, ठीक है, यू आर वेलकम, आई विल इनवाइट यू टू माय स्टूडियो, आई विल कम लाइव विद यू ऑन यूट्यूब, ठीक है, यू कैन डांस, यू कैन ओके सिंग, यू कैन डू एनीथिंग, सिलेक्शन के बाद में जरूर आइए। चलो, एंड जॉइन माई टेलीग्राम सो दैट यू बी स्टे इन टच, ऑलराइट। आ जाओ भाई लोग, जेलस और इनवियस, देखो जेलस तो प्योरली नेगेटिव वर्ड था, और इनवियस हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। आई इनवी अमित पांडे सर, मतलब क्वांट में क्या गजब की चीजें सॉल्व कर लेते हैं, मेरा तो सब्जी वाले भैया से मेरा हिसाब नहीं होता है, मैं कहता हूँ भाई साहब तेरा ही मैथ सही होगा, तू बस सही लगा ले, मेरा तो मैथ इतना डाउन है कि सब्जी वाले भैया पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है मेरे को, खुद पे नहीं है। बट आई इनवी, बट आई एम नॉट जेलस ऑफ अमित पांडे सर, आई एम इनवियस, ठीक है, आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम, समझ गए? तो नेवर बी जेलस, ऑलवेज इनवी, इनवी यू वॉन्ट टू फॉलो पीपल। ऑलराइट, चलो इसका आंसर बताओ क्विकली। सो द इन्वेस्टिगेशन कंक्लूडेड दैट द मर्डर वॉज ड्यू टू द ब्रदर हु बिलीव्ड दैट ही हैड नॉट रिसीव्ड इनफ इनहेरिटेंस मनी, तो ये जेलस जाना चाहिए मेरे हिसाब से, इनवियस नहीं जाना चाहिए। हाँ सर, ये सिलेक्शन के बाद सब आएंगे। हाँ, यू आर ऑल वेलकम एंड आई मीन इट, ठीक है। चलो,
द इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड दैट द मर्डर वाज ड्यू टू, अदर मर्डर हुआ है तो पक्का जेलसी हुई होगी. हां वो द ईयर नॉट सेलिंग योर मनी 47. अच्छा थैंक यू जी. प्लीज जॉइन द टेलीग्राम, यू विल गेट द ईमेल आईडी देयर. ओके टेलीग्राम, टेलीग्राम इज आर वे ऑफ कम्युनिकेशन, द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन. फेटफुल फैटल, फैटल तो जानती हो, एकदम डेथ डेंजर, ठीक है ना, फेटफुल. चलो इसका आंसर बताओ सब लोग, ठीक है. एज दे लैड आईज ऑन ईच अदर, एक दूसरे की तरफ उन्होंने देखा, द लव स्ट्रक पेयर न्यू, और लव स्ट्रक जानते हो कि पहली नजर में प्यार हो गया, ठीक है. तो लव एट फर्स्ट साइट न्यू दैट दिस फेटफुल इनकाउंटर, ये फैटल नहीं था, बट ब्रिंग सिग्निफिकेंट चेंज. और उसके बाद उनकी दुनिया बदल गई, एक नजर में मोहब्बत हो गई और उनकी दुनिया, तो वो फेटफुल इनकाउंटर था, वेरी गुड इनकाउंटर था, ठीक है. आपको भी बहुत मोहब्बत हुई होगी, किसको कितनी मोहब्बत हुई है. चलो ड्वेल, ड्वेल मतलब टू, और डी यू एल मींस फाइट. ओके चलो बताओ, द टू मैन वर रेडी टू फाइट, टू ड्वेल टू द डेथ एंड वुडन कंसीडर कंसीडर स्लो डाउन, मतलब मरने मारने को रेडी थे, मतलब फाइट करने को रेडी थे. चलो ए 49 ए आंसर हो गया, देखते हैं क्या कमेंट आ रहा है. सर आपकी बारात में भी चलेंगे. हाँ भाई बारात को तो पता नहीं, लेकिन सिलेक्शन के बाद में मैं पार्टी जरूर दे सकता हूँ, ठीक है, टू रिस्पेक्ट योर एफर्ट, आपके एफर्ट को रिस्पेक्ट करने के लिए मैं आपको ट्रीट दे सकता हूँ. चलो अब कैनवस आप जानते हो गाइस, कैनवस मतलब क्लोथ जो होता है. चलो मैं अब आपको क्लोथ टी एल ओ एच ई और सी एल ओ टी एच में डिफरेंस बताता हूँ. और कैनवस होता है बोटिंग, सपोर्ट करना, ठीक है. हाँ सर आई एम न्यू सब्सक्राइबर. ओके भगवान जी थैंक यू फॉर बीइंग हियर, एंड आप उनसे उनके टच में रहो या इन बच्चों के टच में आ जाओ और इनसे पूछो, उनसे पूछो भाई, क्या पूछो कि सर के कौन कौन से वीडियोस ऑर्डर में देखने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस क्या हैं. आप इन बच्चों से बात करो, इनसे दोस्ती करो, ठीक है. एक कम्युनिटी बनाओ अपनी, गुडविल बनाओ, रिस्पेक्ट एवरीवन, किसी को बेवजह परेशान नहीं करना है. चलो चलो ओके, ये बारात वालों को मैं ब्लॉक कर दूंगा. एनीवे so because I make tents out of, अब टेंट बना रहे हो तो कपड़ा चाहिए, कपड़ा के लिए कैनवास चाहिए. I need needle strong enough to stitch the tough fabric, canvassing, ठीक है. मैं जब आप मेरे लिए canvassing किया करो, सुनो जितने बारात वाले बंदे हैं ना comment section right now, you need to canvass for me. कि नरेंद्र सर का वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, उनकी वॉचिंग ज्यादा बढ़ाओ, 36,000 देखना चाहिए. तो तुम मेरे लिए क्या करोगे बताओ, कैनवस करोगे ये या मेरे लिए ये करोगे. मैं आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गाइस प्लीज कैनवस फॉर मी, आई नीड योर हेल्प, आई वांट टू रीच आउट टू द रूरल एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, ऑल द ब्रेथ, समझ रहे, हर जगह में जाना चाहता हूं, समझ गया. तो मुझे बताओ तो तुम मेरे लिए कौन सी कैनवसिंग करोगे, वन और टू वाली, सपोर्ट मेरे को, मेरे लिए वर्ड स्प्रेड करोगे सबके पास में. गुड इवनिंग सर जी, कौन है, निखिल गौतम, हाय निखिल, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, गुड इवनिंग. ठीक है, हम कमेंट सेक्शन में भी नाचते हैं. यस वंडरफुल सेशन, थैंक्स अ लॉट फॉर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सर जी, थैंक यू. ओके तो आप मेरे लिए ये करोगे कैनवासिंग, सी एन वी डबल एस आई एन जी, और सुनो सी एल ओ टी एच ई और सी एल ओ टी एच, ये हमारा वो फैब्रिक होता है, जानते हो थान जो कपड़ा होता है, एक रॉ मटेरियल होता है हमारे पास में 10 मीटर का, उसमें से काट के 2 मीटर में ये शर्ट बनती है, याद है ना, 1 मीटर में जितनी बनती है. और जो ऑलरेडी रेडीमेड कपड़े होते हैं उन्हें क्लोथ बोलते हैं, सी एल ओ टी एच. तो ये जो मैंने शर्ट पहनी हुई है क्लोथ है. और अगर मेरे पास में रॉ मटेरियल अगर फैब्रिक हो जिसमें काट के कपड़ा बनेगा उसे क्लोथ बोलेंगे, क्लियर, इस पर डिफरेंस आता है.
चलो ऑल द बेस्ट मैं कल फिर पढ़ाऊंगा, हर रोज पढ़ाऊंगा, जॉब दिला दूंगा मैं आपको, किसी दिन बड़े बड़े क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। आप सबने देखे हैं तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बस हर बंदा कैनवासिंग करते रहो, थोड़ी सी मोहब्बत करते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड सी यू टुमारो 8 बजे द हिंदू क्लास में। और इसका पार्ट 1 पढ़ा दिया, उसको भी प्लीज देख लेना, ठीक है? ऑल द बेस्ट, चलो मिलते हैं।